हेलो 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 भैया, आपको एक फोन आ जाएगा, उससे बात कर लो ना। एक फोन आ रहा है आपको। क्या क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या क्या हमारी आवाज सब तक पहुंच गई? हैप्पी वैलेंटाइंस, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है? जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ जाओ, वीडियो को लाइक कर दो और अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो दोस्तों, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। सब आ चुके हैं? सब आ चुके हैं या नहीं? सब आ चुके हैं या नहीं? फटाफट बता दो यार, फटाफट लाइक दबा के, लाइक दबा के, लाइक दबा के अटेंडेंस मार्क कर दो, ताकि हम आज तो हम बहुत मजे करने वाले हैं। नमन आ चुका है, तनिष्क, वर्षा, वैष्णवी, ऋतु, प्रभजीत, क्या सब आ चुके हैं? यस ऑडिबल, यस ऑडिबल लिख रहे हैं यार। क्या मैं आपको दिख पा रहा हूँ? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज सब तक आ पा रही है? क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? आज तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो यार आप सब? यार एक काम करो, आज मेरी तरफ से सी आयशा इज प्रेजेंट, एक काम करो, अपने फ्रेंड्स को आज के रिवीजन की, आज के सुपर सोनिक रिवीजन की लिंक फटाफट भेज दो और उसको बोल दो नालायक जल्दी आ जा, आज तेरा काम बनने वाला है। बिकॉज मोहित सर अभी तक का पूरा डिमांड चैप्टर अगले कुछ ही मिनटों में, कुछ ही पल में रिवाइज करवाने वाले। फटाफट यार लिंक भेज दो और उनको बुला लो, लाइक ठोक दियो सर, डोंट वरी। ये बात हुई ना, सिमरन सीए राजेश पटर, हेलो गुड इवनिंग। ऋतु भी आ चुकी है, सीए ऋतु, सीए रुस्तम, सीए निर्भय इज प्रेजेंट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अपने दोस्तों को भेज दो, ग्रुप्स में भेज दो, जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भेज दो, ताकि सब लोग आ सके, आ जाए और अपनी अटेंडेंस लाइक के थ्रू मार्क कर दे, ताकि हम आज का हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ा सके। कैसे हो यार, कैसे हो? आज तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करी है। देखो यार, तुम बोल रहे थे ना सर नोट्स कब दोगे, नोट्स कब? देखो देखो तो, देखो तो आज तुम्हारे सामने नोट्स उपलब्ध है भाई, आज तुम्हारे सामने देखो तो नोट्स उपलब्ध है, पूरा रिवाइज करवाने वाला हूँ। ये देखो, ये देखो, आज पूरे के पूरे सारे के सारे नोट्स उपलब्ध है, उसी से हम रिवाइज करने वाले हैं। हमको आज स्टडी मैट की जरूरत ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, लाइक करो फ्रेंड्स। बहुत मेहनत करी आज दिन में, तो मैंने बहुत मेहनत करी तुम लोगों के लिए, ताकि ताकि तुम आज मजे कर सको। तन जनवी हम जरूर उसको रिजॉल्व करेंगे, डोंट वरी। कलरफुल कलरफुल, जी नमन, जी नमन, बिल्कुल यार, वीडियो देख लो, बिल्कुल बिल्कुल वैष्णवी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, लाइक करो फ्रेंड्स। मोहित भैया ओपी, मोहित भैया ओपी। चलो 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 चलो, क्या सब तैयार है? क्या हम आज आगे बढ़ सकते हैं? क्या तुम मेरा साथ आज दोगे? क्या तुम मेरा साथ आज दोगे? बोलो 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 रे बोलो, बोलो 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 रे बोलो। क्या हम सब आ चुके हैं? क्या हमने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है? क्या 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 सरप्राइज है सर, वो तो बता दो, क्या सरप्राइज है बता दो। अरे तुमको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा, आज तुमको पीडीएफ मिलने वाली है नोट्स की भाई। अभी क्या करूं मैं भैया, प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से। अरे चिंता मत करो, करेंगे रिजॉल्व, अभी हम बैठे हुए हैं, चिंता मत करो, कोई भी मजाक नहीं करो, करूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, मजाक नहीं कर रहे यार। देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए मेहनत करके पूरा पीडीएफ में आज तुमको डिमांड चैप्टर का मिल जाएगा, अपने नोट्स मिल जाएंगे, जिससे तुम सुपर सोनिक स्पीड में, सुपर सोनिक स्पीड में एकदम फटाफट फटाफट रिवाइज कर पाओगे। दोस्त क्या सब आ चुके हैं? क्या हम पूरा डिमांड का चैप्टर जल्दी से रिवाइज कर ले? क्या तुम मेरा साथ दोगे? नोट्स मिलने वाले हैं यार, नोट्स मिलने वाले हैं जल्दी। सारे मैंने दोस्तों को बुला लिया है अपने, और माहौल बना लिया है एकदम झकास चकाचक। जल्दी से अपनी प्रेजेंट मार्क कर दो, अपने नाम के आगे सीए लगाओ। सर मैं तो सीए बनने वाली हूँ, आग लगा देंगे अपन, आग लगा देंगे यार। बढ़िया 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 बढ़िया, माहौल बना दो एक बार फटाफट, जल्दी से माहौल बना दो, फटाफट 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 बनाओ। यस सर ऑलवेज, यस सर ऑलवेज, वी आर विथ यू। बढ़िया बढ़िया, अटेंडेंस मार्क कर दो एक बार और आज का हम कार्यक्रम बढ़ा देंगे। सीए ऋतु तिवारी इज प्रेजेंट, सीए वैष्णवी इज ऑल्सो प्रेजेंट, सीए रुस्तम कुमार इज ऑल्सो प्रेजेंट,
हो, मिस्टर परफेक्ट ने भी सीटी बजा दी है। सीए प्रभजीत कौर, सीए अनिकेत, सीए सुजल निर्मल, सीए हिमानी, सीए हिमानी, मिशन सीए हिमानी, उसने तो अपने नाम ही रख लिया है, मिशन सीए हिमानी, मिशन सीए हिमानी। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? सीए सत्यम, सीए राहुल, सीए दिव्या, सीए हरिप्रिया, सीए तनिष्क, सीए आयशा, सीए विशाखा, सीए श्रवण, सीए निशा, सीए अखिला, सीए ऋतु तिवारी, सब आ चुके हैं। आज तो बढ़िया सा माहौल बनने वाला है यार, आज तो बहुत मजे आने वाले, आज तो बहुत मजा आएंगे। बोले सर मजे आएंगे ना? हाँ सर बिल्कुल आएंगे। सीए सुजीत भी आ चुके हैं। अरे बढ़िया यार, आज तो फिर पार्टी तो पार्टी तो पार्टी तो बनती। आईसीआई विल गेटिंग बर्न विथ आर फ्लेम्स। ओह ओह हो, क्या लाइन थी, क्या लाइन थी। कुमकुम भी आ चुकी है, सीए कुमकुम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सीए अक्षय कुमार प्रजापति, पूरा नाम लिख दिया भाई ने अपना। चलो क्या हम शुरू करें? क्या तुम मुझे इजाजत दोगे? पार्टी तो बनती है। चलो 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 चलो। अरे अरे गिफ्ट की बात कर रहे हो भाई, तुम्हारे लिए मैंने पूरे नोट्स आज इकट्ठे कर लिए। तुम इतने दिन से बोल रहे थे, मैंने पूरे नोट्स इकट्ठे एक जगह कंपायर कर लिए, विदाउट घिचपिच, विदाउट घिचपिच। आज बहुत सारे नोट्स मेरे को अलग से बनाने पड़े तुम्हारे लिए। क्या तुमको ये गिफ्ट नहीं लगता? इतनी मेहनत गिफ्ट नहीं लगता? मैं चाहता तो बस तुमको स्टडी मैट के क्वेश्चंस करवाता और इसी को रिफर करवा देता, इसी को रिफर करवा देता। क्या तुमको चलता? क्या बोलो, तुमको चलता? मुझे पढ़ाना तो था, रिवाइज तो करवाना था, मैं इससे भी रिवाइज करवा देता। पर मैंने तुम्हारे लिए मेहनत करी, पर मैंने तुम्हारे लिए मेहनत करी, और तुम बोल रहे हो सर गिफ्ट 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 क्या है, गिफ्ट क्या है यार? ये गिफ्ट नहीं दिख रहा तुमको, किसी गिफ्ट से कम है क्या ये मेरी इतनी मेहनत? चलो भाई चलो भाई, आ चुके हैं हम, आ चुके हैं हम हमारे सुपर सोनिक तरीके से रिवाइज करने के लिए। फर्स्ट डे अटेंडिंग योर लाइव क्लास, ऋषु पांडे आ चुके हैं। तुमको मजा आ जाएगा, पहले ही दिन मजा आ जाएगा। जो पहली बार आया है ना, वो अगली बार आता रहेगा, आज ऐसा माहौल बनेगा। चलो 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 चलो, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं आज का सफर, आज का सफर शुरू करते हैं। सबने लाइक ठोक दिया है और वो मेरे साथ बन चुके हैं अब साथ में। चलो भाई चलो, हम शुरू कर रहे हैं। हेलो शीतल, हेलो शीतल, चलो मेरे साथ बोलोगे? क्या तुम मेरे साथ बोलोगे? थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड हम चैप्टर कर रहे हैं। डिमांड होता क्या है सर? सर डिमांड होता है डिजायर, किसी चीज को पाने की चाह, जो कि बैक्ड बाय हो विलिंगनेस एंड एबिलिटी। मतलब मैं अपना पैसा उस चीज को खर्च करने के लिए लगा दूं, किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को पाने के लिए लगा दूं, एट स्पेसिफिक क्वांटिटी, एट स्पेसिफिक प्राइस, तो उसको बोलते हैं सर डिमांड। अच्छा ऐसा क्या बच्चा? हाँ इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। सर क्या फैक्टर? सर क्या फैक्टर? सर फैक्टर्स हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांटिटी डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी इंक्रीज होती है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ इसीलिए तो ये उल्टा उल्टा चल रहा है, इसी को तो हम इनवर्स इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। और इसी के कारण तो हमारा जो ग्राफ है वो लेट जाता है, और उसको कहते हैं हम डाउनवर्ड स्लोपिंग। फिर आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सर दो प्रकार के रिलेटेड गुड्स होते हैं सर, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स जो कि है ये टी एंड कॉफी, और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब टी एंड कॉफी जो है उल्टे, जानी दुश्मन। अगर मैंने चाय ज्यादा पी तो मैं पीऊंगा कॉफी कम, मैंने कॉफी ज्यादा पी तो मैं पीऊंगा टी कम। मतलब कि सर 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 इजीली बताओ ना भैया, बताओ ना। जब प्राइस हमारी जो है टी की बढ़ गई, तो मैंने क्वांटिटी जो है टी की कम कर दी, उसके कारण हुआ क्या? लोगों ने प्राइस जब टी की बढ़ी तो कॉफी की जो है क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम करने लग गए। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप भाई, सब्स्टिट्यूट गुड्स में होती है डायरेक्ट रिलेशनशिप। एमसीक्यू में आ सकता है यार, एक नंबर मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सर, कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल। हाँ कैसे? जब कार की जो है प्राइस बढ़ी थी मेरी, जब कार की प्राइस बढ़ गई थी तो हमने क्वांटिटी जो थी कार की कम कर दी, और जब कार ही मैंने नहीं खरीदी, जब मैंने कार ही नहीं खरीदी तो मैंने पेट्रोल भी नहीं डलवाया। मतलब सर कार की प्राइस बढ़ने से हमारा जो पेट्रोल है उसकी क्वांटिटी कम हो रही है। मतलब सर उल्टा चल रहा है ये तो। हाँ, उल्टा चल रहा है, मतलब कि इनवर्स रिलेशनशिप साबित हो रहा है। मतलब कि बात समझ में आ गई, सब्स्टिट्यूट गुड्स में होती है डायरेक्ट रिलेशनशिप, और हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होती है इनवर्स रिलेशनशिप। आ गई क्या तुमको समझ में बच्चा? हाँ सर बहुत अच्छा समझ में आया सर, जल्दी बढ़ो ना आगे। अरे थोड़ा सा धीरे चलेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, सर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है ना, पैसे ज्यादा होते हैं जेब में तो डिमांड, हम ज्यादा खर्च करते हैं ना। बोले हाँ सही बात है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। क्या एक्सेप्शंस होते हैं सर? नेसेसिटीज और इन्फीरियर गुड्स। नेसेसिटीज मतलब सर जो जरूरत की चीजें मैं उतनी ही खरीदूंगा ना, इनकम बढ़ जाएगी तो मैं ज्यादा क्यों खरीदूंगा। इन्फीरियर गुड्स सर, अगर मैं ज्यादा पैसे वाला हो गया तो मैं छोटी छोटी चीजें को थोड़ी ना वो टाइम वेस्ट करूंगा, मैं तो महंगी चीजें खरीदूंगा। लेकिन इसीलिए एक्सेप्शंस हो जाते हैं, मेरी इनकम बढ़ी, स्टिल 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 मैंने नेसेसिटीज पर खर्चा नहीं किया, मैंने इन्फीरियर गुड्स पर खर्चा नहीं किया। सर समझ में आया? अच्छा समझ में आया, अच्छा समझ रहा
समझ समझा रहे हो आप। हैबिट्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हैबिट्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। सर अगर लत लग जाती है ना हमको किसी चीज की, बोलो जुबा केसरी, इसी बात में बोलो जुबा केसरी। जब लत लग जाती है ना सर, तो हमारा वो इन्फ्लुएंस करता है, हमारा डिसीजन इन्फ्लुएंस करता है, उससे हमारी डिमांड भी इन्फ्लुएंस होती है। सर आप इसमें ना आपने बहुत सारे इफेक्ट समझाया था हमको, इफेक्ट समझाया था। अच्छा क्या समझाया था इफेक्ट? इफेक्ट मैंने समझाया था, एक होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, एक होता है बैंडविगन इफेक्ट, एक होता है स्नॉब इफेक्ट, एक होता है विबलन इफेक्ट। अच्छा, आराम से समझना क्या होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। दिया था हमको एमसीक्यू में, आ सकता है जेम्स ड्यूसेन बेरी में, ड्यूसेन बेरी में। सर आप एमसीक्यू बार बार क्यों बोल रहे हो? बच्चा इसीलिए कि तुमको अलग से बहुत बार एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़े, हमारी क्लास देखो और एमसीक्यू के भी आनंद लो। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट मतलब कि हमने लोगों को देखा और हमने उनको कॉपी कर लिया, हमने लोगों को देखा और हमने कॉपी कर लिया। मतलब हमारे दोस्त ने फोन खरीदा, हमारे दोस्त ने हमने फोन खरीदा तो हमको भी इच्छा हुई फोन खरीदने की, इसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अच्छा सर फिर बैंडविगन इफेक्ट क्या होता है? बच्चा दूसरा ही नाम है, बैंडविगन इफेक्ट भी वैसे होता है लेकिन उसको अपन अलग तरीके से याद करेंगे। मतलब क्या? दूसरों की डिमांड देखकर मैंने अपना कंजम्पशन बढ़ा दिया। क्या? मैंने दूसरों को देखा और डिमांड करते हुए उस प्रोडक्ट का, तो अपना कंजम्पशन बढ़ा दिया। मतलब मैंने बैंड बजा दिया दूसरों की डिमांड देखकर, इसको बोलते हैं बैंड विगन इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट मतलब क्या होता है? स्नॉब इफेक्ट मतलब होता है मैंने देखा कि बहुत सारे लोग एमआई का फोन वापर रहे हैं, बहुत सारे लोग एमआई का फोन वापर रहे हैं, तो मुझे नहीं एमआई का फोन चाहिए। मतलब मैंने अपनी डिमांड रिड्यूस कर ली, डिमांड अपन ने अपना कंजम्पशन रिड्यूस कर लिया दूसरों को देखकर, यार ये लोग जो है ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं। माई डिमांड डिक्रीज बिकॉज पीपल वर कंज्यूमिंग। वेबलिन इफेक्ट क्या होता है? सर वेबलिन ना, ये वेबलिन वाले लोग जो होते हैं ना, इनको हाई प्राइस गुड्स ही कंज्यूम करने में मजा आता है। मतलब जो महंगी चीजें होती है ना वो ही कंज्यूम करते हैं। मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन पर देखा देखी, बैंडविगन इफेक्ट मतलब बैंड बजा दिया मैंने दूसरों को देखकर, स्नॉब इफेक्ट मतलब मैंने अपना डिमांड कम कर दिया दूसरों को देखकर, बिकॉज मैं हूं अनोखा आदमी, अनकॉमन आदमी। वेबलिन इफेक्ट मतलब मेरे को महंगी चीजें ही पसंद आती है, मेरे को महंगी चीजें ही पसंद आती है। क्या सब मेरे साथ है? क्या मैंने पहला पेज रिवाइज कर लिया? सर दूसरे पेज पर जाओ ना। अरे बच्चा ये आ गया, देख ये आ गया सर, इतने अच्छे नोट्स। हाँ, अब मैं नोट्स में जो रिवाइज कराऊंगा उसको अलग मार्क करूंगा और मेरे फाइनल नोट्स अलग मिलेंगे, इसकी भी तुमको पीडीएफ मिल जाएगी, चिंता नहीं करना। यहाँ पर हम रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सर समझ में आ गया, आप तो आगे बढ़ो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मुझे तो। शाम बहुत अच्छी बीत रही है, जब मुझे पता चला फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाली है, फ्यूचर इनकम मेरी बढ़ने वाली है, मुझे ऐसा लगने लगा कि आलू की तो शॉर्टेज होने वाली है, तो मैं अभी प्रेजेंट डिमांड क्या करूंगा बच्चा? मैं बढ़ा लूंगा सर, मैं बढ़ा लूंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, इस चीज की फ्यूचर में इनकम बढ़ने वाली है, शॉर्टेज होने वाली है, तो अभी प्रेजेंट डिमांड मेरी बढ़ जाएगी। अच्छा, सर इसमें आपने 3 पॉइंटर दे रखे, पॉपुलेशन साइज, एक मैंने मेल ज्यादा रहेंगे एक कंट्री में, फीमेल ज्यादा रहेंगी एक कंट्री में, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब कि अगर पॉपुलेशन साइज ज्यादा हुई तो डिमांड ज्यादा होगी। अगर एक कंट्री में मेल ज्यादा है तो मेल के प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी, फीमेल ज्यादा है तो फीमेल के प्रोडक्ट्स की ज्यादा होगी। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर है तो ऑटोमेटिकली डिमांड ज्यादा होगी, ऑटोमेटिकली डिमांड ज्यादा होगी। नोट्स तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं, समथिंग डिफरेंट भी आ चुके हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी, फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी। सर 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 क्या 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 बच्चा क्या हुआ सर? फ्लक्चुएशन इन द इकोनॉमी मैं बताऊंगा, जब बूम चलता है ना इकोनॉमी में, सब कुछ सही चलता है ना, तो डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा होती है, और जहां पर ना महंगाई होती है, डिप्रेशन होता है, रिसेशन होता है इकोनॉमी में, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम होती है, बिकॉज मशीन्स कम काम करती है, लोग कम काम करते हैं, कंपनीज बंद हो जाती है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है सर। अच्छा सर बहुत बढ़िया सर, आपने तो मतलब 5 मिनट में पहली क्लास रिवाइज करवा दी। अच्छा पहली क्लास में इतना ही पढ़ा था, मैं तो भूल गया, तेरे को याद था ना, बहुत बढ़िया, तेरे को याद था, चलेगा। जब डिमांड फंक्शन की बात करो तो डिमांड फंक्शन वही होता है, मतलब कि क्वांटिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट इज अ फंक्शन ऑफ, क्या हमने ऊपर तो पढ़ा है, प्राइस ऑफ एक्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बस ये मैथमेटिकल टर्म में इनकी इक्वेशन है, हमको क्या करना, हमने तो देख लिया, खत्म करो, हमने तो देख लिया सर। हाँ इतना ज्यादा कुछ था नहीं। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? ये साइंस वाला लॉ ऑफ डिमांड है? अरे नहीं यार, ये तो अपना इकोनॉमिक्स वाला लॉ है, सिंपल सा लॉ है कि प्राइस इंक्रीज होती है, हमको ही पता है, डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस डिक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होती है। ये किसने कहा? अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा कि ग्रेटर ग्रेटर द अमाउंट टू बी सोल्ड, तुमको अगर ज्यादा बेचना है तो तुमको अपना भाव कम करना पड़ेगा भाई साहब, अगर तुमको ज्यादा बेचना है तो तुमको डिमांड कम करनी पड़ेगी। गुड इवनिंग एवरीवन। अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, फिर हमने जो है ना सर, हमने जो है ना डिमांड स्केड्यूल बना के देखा था, हमने डिमांड स्केड्यूल बना के देखा था कि 10 रुपए की प्राइस पर 50 यूनिट, 20 रुपए प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम। ये मोहन क्वांटिटी डिमांड कर रहा है और इसी प्रकार रोहन डिमांड कर रहा है, इन दोनों को ऐड कर लें, अगर हम 50 प्लस 70 ऐड कर लें तो यहाँ पर 120 हो जाती है, इसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं, इसको हम मार्केट डिमांड बोलते हैं। सर इसको प्लॉट कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा? इसको प्लॉट कर देंगे ना, इधर की साइड प्राइस होती है, इधर की साइड क्वांटिटी होती है, प्राइस 10 रुपए है,
तो क्वांटिटी 50 रुपए है, तो इसको मैंने प्लॉट कर दिया, मान ले इसको मैंने प्लॉट कर दिया, ऐसे प्लॉट करते करते आया ना, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होती है, इनवर्स रिलेशनशिप होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इनवर्स रिलेशनशिप होती है हमारी, इनवर्स रिलेशनशिप होती है बिटवीन दी प्राइस एंड दी क्वांटिटी। सर डिमांड शेड्यूल भी मेरे को समझ में आ गया, सर आप अच्छा समझा, तो ऐसे ही समझाया करो आपको, ठीक है, नोट है, नोटेड है। सर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब क्या? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब जहां जहां लॉ ऑफ डिमांड काम ही नहीं करता, मतलब क्या सर? मतलब कि जहां प्राइस इंक्रीज होने में, प्राइस इंक्रीज हो रही है लेकिन डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब सर कॉन्स्पिशियस गुड्स, जहां पर प्रेस्टीज वैल्यू, स्नॉब इफेक्ट, वेबल इफेक्ट, देखा ना, जिन लोगों को अच्छी चीजें ही पसंद आती वो लोग ना लॉ ऑफ डिमांड में नहीं मांगते, भले प्राइस इंक्रीज हो उनको डिमांड डिक्रीज नहीं करनी, बिकॉज उनको तो महंगी चीजें और पसंद आती ना। फिर हमने गिफन गुड की बात करी थी, गिफन गुड्स रॉबर्ट गिफन वाला, कि उन्होंने देखा कि जब प्राइस ब्रेड की बढ़ रही है, प्राइस ब्रेड की बढ़ रही है, तो लोग जो है ब्रिटिश वर्कर्स ना ब्रेड का कंजम्पशन कम नहीं कर रहे हैं, कंजम्पशन कम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कंजम्पशन कम कर रहे हैं? बिकॉज जब प्राइस ब्रेड की बढ़ी ना, उनकी जो बेसिक नेसेसिटी थी ब्रेड, ब्रेड उनके लिए उनका पेट भरने का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, तो जब प्राइस ब्रेड की बढ़ी ना, तो उन वर्कर्स ने अपना कंजम्पशन दूसरी चीजों का कम किया, मीट खाते थे वो लोग, उनका कंजम्पशन कम किया और ब्रेड खाने और लगे। मतलब यहां तो सर लॉ ऑफ डिमांड काम ही आया, प्राइस इंक्रीज हुई तो ब्रेड की डिमांड कम नहीं हुई और उल्टा बढ़ गई, यही तो एक्सेप्शन है। और उल्टा भी देखा था हमने, जब प्राइस ब्रेड की डिक्रीज हुई, जब प्राइस ब्रेड की डिक्रीज हुई तो लोगों ने ब्रेड का कंजम्पशन और डिक्रीज कर दिया। अच्छा ऐसा क्यों सर? सर जब प्राइस डिक्रीज हुई ना ब्रेड की, तो लोगों ने बोला कि सर अब पैसा बच रहा है, प्राइस रिड्यूस हो गई, हमको जितना पेट भरना था भर दिया, अब हमको जो है ना मीट खाना है, हमको ज्यादा ब्रेड नहीं खाना। मतलब कि गिफन गुड्स में प्राइस इंक्रीज हो रही है ब्रेड की, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है ब्रेड की, तो डिमांड डिक्रीज हो रही है। सर क्या बेहतरीन समझाया आपने, मजा आ गया, हमको तो डाउट ही नहीं है। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज मतलब जिसका कॉन्स्टेंट यूसेज आता है, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह, उनका अगर प्राइस बढ़ भी जाता है तो हम कंजम्पशन इतना कम नहीं करते, ये एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस, अभी प्राइस कुछ भी हो रही हो, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो अभी की प्रेजेंट क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज कर दो। नेसेसिटीज में भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता, स्पेक्युलेटिव गुड्स मतलब कि शेयर मार्केट और बढ़ता है तो लोग और खरीदते हैं, वहां पर भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, बुद्धू है कस्टमर, तो उसको क्या पता कहाँ क्या होने वाला है, कहाँ क्या होने वाला है, उसको कोई भी पागल बना देता है। कोई बात नहीं, आईना यहाँ पर ध्यान दो, जो भी डाउट है लास्ट में देखेंगे, अभी मेरे साथ बने रहो, जो भी नए आए हैं बस बने रहो, तुमको बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीजें, 90% ऑफ चीजें तुमको समझ में आने लगेगी, 90% ऑफ चीजें समझ में आने लगेंगी। या अभी तक सब मेरे साथ हैं, एक बार मेरे को अटेंडेंस दे दो, बोले हाँ सर अभी तक तो हम आपके साथ हैं, आप ऐसे ही पूरा रिवाइज करवा दो ना, आप ऐसे ही पूरा रिवाइज करवा दो ना फटाफट हमको, ताकि हम ये चैप्टर को बवाई बोले, हम बहुत दिनों से डिमांड डिमांड कर लिया, दूसरा चैप्टर आपके साथ पढ़ना है हमको, फटाफट बोलो। बहुत बढ़िया, सब मेरे साथ है, सब मेरे साथ है, तो गम की क्या बात है, चलो बढ़िया बढ़िया। अब एक्सपांशन ऑफ डिमांड, एक्सपांशन 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 एंड कॉन्ट्रैक्शन समझ लो, एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन समझ लो। एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन केवल एक ही चीज की वजह से होता है, वो होता है प्राइस की वजह से, वो होता है केवल प्राइस की वजह से, वो होता है प्राइस की वजह से। मतलब कि यहां पर ध्यान से देखो, मेरा 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 जब प्राइस रिड्यूस हुआ, जब मेरा प्राइस रिड्यूस हुआ तो मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, जब मेरा प्राइस रिड्यूस हुआ तो मेरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, और इसी की वजह से यहां पर मेरा पॉइंटर था तो यहां पर पॉइंटर आ गया और मैंने ये लाइन खींची तो नीचे नीचे फिसल गया। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड 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 मूवमेंट ऑफ डिमांड का, डाउनवर्ड। ये प्राइस डिक्रीज हुई ना तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, और जब मैंने प्लॉट करके देखा ना तो ऐसे फिसल गया, और वही कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है जब प्राइस इंक्रीज हुई ना मेरी, जब प्राइस इंक्रीज हुई ना 10 से 20, 10 से 30 हुई, तो मेरा क्वांटिटी 50 से 30 आ गया, और जब मैंने ऐसे प्लॉट किया ना तो ऐसे ऊपर की तरफ जाने लगा, सर ऊपर की जा रहा। इसी के लिए तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिमांड कब कहते हैं, जब भी एक्सपांशन और कॉन्ट्रेक्शन की बात आए तो ये प्राइस की वजह से होता है, और उसमें हम वर्ड यूज करते हैं मूवमेंट। इतना बात हमको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद सर दूसरी चीज बताओ ना, सर चेंजेस इन अदर देन प्राइस बताओ ना, चेंजेस अदर देन प्राइस, हाँ उसकी वजह से भी तो चेंजेस आ सकते हैं, उसकी वजह से भी तो चेंजेस आ सकते हैं, उसकी वजह से भी तो चेंजेस आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। चेंजेस अदर देन प्राइस देख ले भाई, चेंजेस अदर देन प्राइस देख ले यार, चेंजेस अदर देन प्राइस देख ले यार, देख चेंजेस अदर देन प्राइस देखेगा ना, चेंजेस अदर देन प्राइस देखेगा ना, चेंजेस अदर देन प्राइस देखेगा ना, तो यहां पर देख, यहां पर देख, ये वाला ग्राफ ठीक से देख अभी, यहां पर हमारा जो है ना प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, ये प्राइस सेम है, और हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, हमारी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, ओनली 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 क्वांटिटी इंक्रीज नॉट प्राइस। तो हमारा जो है ना डिमांड कर्व इधर की साइड राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, राइट वर्ड शिफ्ट हो गया,
राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। सर सर पेन का कलर चेंज करो ना, दिख नहीं रहा। ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया बच्चा, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। और इसके रीजन क्या होंगे, इसके रीजन क्या होंगे सर, रीजन क्या होंगे? अरे रीजन समझा देता हूँ ना, देखो देख 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 देख, बट ठीक से समझना, थोड़ा सा दिमाग लगा, थोड़ा सा। देख मेरी राइज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स की बात करो जो हम आम यूज करते हैं, तो मेरी इनकम इंक्रीज हुई, प्राइस इंक्रीज नहीं हुई, मेरे पैसे प्रमोशन हो गया मेरा, अब मेरी सैलरी बढ़ गई है, तो मेरी प्राइस तो सेम है गुड की, तो मैं ज्यादा क्वांटिटी परचेस करने लग जाऊंगा ना। दूसरा समझ, दूसरा समझ, दूसरा सर 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 जल्दी मत भगो, अरे नहीं भग रहा हूँ। राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, धीरे से आराम से। जब 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 पीपल जब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल तूने चाय, चाय की अगर मैं बात करूं, टी का भाव बढ़ गया, टी का भाव बढ़ गया, तब मान लो मैं कंज्यूम करता हूँ टी, मैं कंज्यूम करता हूँ चाय, चाय कंज्यूम करता हूँ, कॉफी कंज्यूम करता हूँ, और मत ध्यान रखो मेरे को क्या पसंद है मेरे को नहीं पसंद है वो छोड़ो, मैं चाय कंज्यूम करता हूँ, मैं कॉफी कंज्यूम करता हूँ, कॉफी और टी आर सब्सटीट्यूट्स। मान लो कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, मान लो कॉफी का प्राइस बढ़ जाता है, तो मैं कॉफी कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं क्या कंज्यूम करूंगा, टी। अभी टी का प्राइस नहीं बढ़ा है, टी का प्राइस, टी का प्राइस, टी का प्राइस, टी का प्राइस जो है, टी का प्राइस नहीं बढ़ा है, ये 20 रुपए ही है, लेकिन कॉफी का प्राइस बढ़ गया ना, तो लोग इधर आ गए, लोगों ने ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कॉफी कंज्यूम करने लग गई, इसलिए ऐसे शिफ्ट हो गया। समझ में आ गया, राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट समझ में आ गया, राइज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट समझ में आ गया। क्या तारीफ करिए नोट्स की मैंने, अरे यार तुमको यही तो दिलाना है, तुम्हारा टाइम तो बचाना है, ताकि आखिरी दिन तुमको मजा आ जाए। फिर सर एक और, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब कि सर मान लो मेरा कार का फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अभी ये मेरा प्राइस जो है, ये मेरा जो है कर्व जो है, ये मेरा पेट्रोल का, पेट्रोल का, पेट्रोल का डिमांड कर्व है, पेट्रोल का डिमांड कर्व है, ये मेरा पेट्रोल का डिमांड कर्व है, ये मेरा पेट्रोल का डिमांड कर्व है, पानी मिट क्यों नहीं रहा, पेट्रोल का डिमांड कर्व है, ये मेरा पेट्रोल का डिमांड कर्व है। फॉर एग्जाम्पल मेरा कार का प्राइस जो है, कार का प्राइस, कार का यहाँ पर क्या बोला है मैंने, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर कार का प्राइस रिड्यूस हो जाता है, कार का प्राइस रिड्यूस हो जाता है, पेट्रोल का प्राइस सेम है, पेट्रोल का प्राइस सेम है, कार का प्राइस रिड्यूस हो जाता है, तो लोग कार ज्यादा खरीदेंगे, लोग ज्यादा कार खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल ज्यादा डलवाएंगे, मतलब कि जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस रिड्यूस हुआ, तो मेरी डिमांड बढ़ गई, मेरी डिमांड बढ़ गई। लॉजिक, लॉजिक से खेलो, लॉजिक से खेलो, लॉजिक। क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया, फटाफट फटाफट बोलो हाँ सर। फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी समझ में आ गया, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझ में आया। सर इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स, सर बायर सेम है, प्राइस सेम, प्राइस भले ही सेम है, अगर बायर ज्यादा आ गए मार्केट में तो भी डिमांड बढ़ जाएगी, फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस अभी तो सेम है, लेकिन फ्यूचर में लोगों को लग रहा है बढ़ने वाली है, तो लोग अभी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करने लग जाएंगे। एक सर रीजन क्या है, सर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रमोट कर रही है, सब्सिडी मिल रही है, प्राइस सेम है लेकिन लोगों को बाद में सब्सिडी मिल जाएगी, प्राइस सेम है लेकिन बाद में लोगों को सब्सिडी मिल जाएगी, तो सेम प्राइस पर भी ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करने लगेंगे, और इससे होगा क्या, इससे होगा सर राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट भार इधर से जाके इधर पे गया, शिफ्ट हुआ है। समझ में आ गया सबको, सबको समझ में आया तो मैं आगे बढ़ू क्या, तुमको नोट्स में मजा आ रहा है यार, आखिरी दिन काम में आएंगे क्या नोट्स, क्या हमको एमसीक्यू अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी क्या, अरे कर लेंगे वो तो टेस्ट में, लेकिन तुमको मैं ऐसा समझा रहा हूँ ना कि तुम ऐसे गोले मार के आओगे, 95+ टारगेट मतलब है, ठीक है। ऐसा का ऐसा, ऐसा का ऐसा हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो गई लेकिन ये प्राइस की वजह से नहीं हुई, और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लेफ्टवर्ड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, मतलब मेरी प्राइस तो सेम है लेकिन मेरा ऐसा पलटा मार गया, और ये रीजन वही है, मेरी इनकम रिड्यूस हो गई, मेरा प्राइस सब्सटीट्यूट्स का बढ़ गया, मतलब कॉफी का सब्सटीट्यूट्स का प्राइस कम हो गया, सब्सटीट्यूट्स का प्राइस कम हो गया, मतलब कॉफी का प्राइस कम हो गया, टी का प्राइस सेम है, टी का प्राइस सेम है, कॉफी का प्राइस कम हो गया, कम हो गया, तो लोग कॉफी पीने लग जाएंगे, अगर ये डिमांड कर्व है कॉफी का, कॉफी का डिमांड कर्व है तो लोग ज्यादा टी का, सॉरी टी का ये हमारा डिमांड कर्व है, तो लोग बाग कम चाय पीने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये मान लो पेट्रोल का डिमांड कर्व है, पेट्रोल का डिमांड कर्व है, ठीक है पेट्रोल का डिमांड कर्व है, तो अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग कार ज्यादा कार कम खरीदेंगे, कार कम खरीदेंगे तो पेट्रोल का भी कंजुम्पशन कम हो जाएगा, इसलिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। उसी के जैसे, उसी के जैसे क्या हो गया, उसी के जैसे क्या हो गया, हमारे जो बायर्स हैं, बायर्स हैं वो रिड्यूस हो गए, फ्यूचर प्राइस को लोगों को लग रहा कम होगी तो अभी क्यों खरीदूं, गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन हो गया, जो टबेको बैन हो गया, क्या सबको समझ में आया, एकदम झक्का समझ में आया, क्या सबको समझ में आ गया, क्या सबको समझ में आ गया, क्या सबको समझ में आ गया। एक चीज नोट कर दूं मैं फाइनल नोट्स में, एक चीज मैं ऐड कर दूं, हाँ सर ऐड कर दो ना, आप ऐड कर दो ना, इसको हम क्या समझेंगे, इसको आप समझ लो
ये है हमारा डिमांड कर्व फॉर, इसको आप टी या पेट्रोल के नाम से जान सकते हो, ताकि आपके जो नीचे के पॉइंट है ना वो इजीली समझ में आ जाए। डिमांड कर्व फॉर टी और पेट्रोल, ये नोट मिल जाएंगे, चिंता नहीं करना। इसको डिमांड कर्व फॉर टी एंड पेट्रोल दोनों सेम है, सेम है। बस ये ध्यान रखना, बस ये ध्यान रखना, टी का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टी का हमने क्या देखा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सा है, कॉफी, उससे दिमाग लगा के कर लेना। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कार। वैसा दिमाग लगा के समझोगे ना, ऐसा दिमाग लगा के समझोगे ना, तो तुमको दिक्कत ही नहीं आएगी। ये डिमांड कर रहे चाय का, और आज राइटिंग भी एकदम झकास। धन्यवाद धन्यवाद। क्या सबको समझ में आ गया? बोले हाँ सर, मजा आ रहा है। आज तो बहुत मजा आ रहा है, आपने जो मेहनत करी वो दिख रही है हमको। ठीक है ठीक है ठीक है, धन्यवाद भाई धन्यवाद। अप्रेजल ले लिया मैंने, अप्रेजल ले लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़े थे, अभी तक का पूरा अच्छे से समझ में आ गया है मेरे को। सर तो आज क्या पूरा रिवाइज ही करवा दोगे? हाँ, आज डिमांड पूरा चैप्टर भी खत्म करवा दूंगा और रिवाइज भी अच्छे से करवा दूंगा, ताकि ये वीडियो तुम बार बार देख पाओ और अपने दोस्तों को भी दिखा पाओ। ठीक है सर, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, हाँ, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है सर? रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड सर, ये नॉर्मल गुड्स वाला पॉइंट नहीं समझा, आखिर मैं बिल्कुल समझा दूंगा, चिंता मत कर, मिस्टर परफेक्ट परफेक्ट बना के छोड़ूंगा। रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड मतलब होता है कि क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है, व्हाई व्हाई लॉ ऑफ डिमांड इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हमारे हिक्स एंड एलन साहब आए और उनने बोला कि यार ये प्राइस इफेक्ट की वजह से होता है, ये प्राइस इफेक्ट की वजह से होता है, मतलब कि हाउ परचेजेस चेंज व्हेन प्राइस चेंजेस, प्राइस इफेक्ट मतलब हाउ परचेज चेंज जब प्राइस चेंज होती है। तो हमने देखा कि जब सर 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 क्या क्या आगे तो बोलो, जब प्राइस ओरिजिनल गुड्स की बढ़ जाती है ना, जैसे चाय की कीमत बढ़ी तो लोग स्विच हो गए सब्स्टिट्यूट्स पर, मतलब कॉफी पर, इसके कारण ओरिजिनल गुड्स की डिमांड जो है कम हो गई, जो कि हमारी चाय थी, जो कि हमारी चाय थी। सर आप तो पॉइंटर लिखते हो, उसके साथ एग्जाम्पल भी लिख देते हो, हमको तभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। अरे वही तो काम है अपना। ठीक है, और इसका उल्टा देखें तो, इसका उल्टा देखें, अगर हमारे ओरिजिनल गुड्स टी की प्राइस जो है कम हुई, तो लोग जो है कॉफी पर शिफ्ट हो गए, इसके कारण ओरिजिनल गुड्स की डिमांड कम हो गई। मतलब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। जब प्राइस गिरती है ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है, जब प्राइस गिरती है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या सबको? समझ में आ गया क्या सबको? समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, देख लेंगे आयशा उसको आखिरी में, डोंट वरी। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कब होता है? जब क्लोजर सब्स्टिट्यूट होते हैं गुड्स, जब कॉस्ट ऑफ स्विचिंग लोअर होती है, इनकन्वीनियंस नहीं होता लोगों को, चाय की टपरी और कॉफी की टपरी पास पास में है तो मेरे को कोई दिक्कत होगी क्या जीवन में? नहीं होगी ना सर, आप फटाफट फटाफट स्विच करोगे ना। इनकम इफेक्ट, जब प्राइस बढ़ जाती है, जब प्राइस प्राइस कम हो जाती है तो लोगों की रियल इनकम, जेब में पैसा बढ़ जाता है, जेब में नेट पैसा ज्यादा दिखता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑलरेडी ज्यादा होती है। जब प्राइस कम हो जाती है तो रियल इनकम मेरी बढ़ जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा हो जाती है। प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो रियल इनकम मेरी कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है। और हमको यही तो प्रूव करना है, हमको यही तो प्रूव करना है कि प्राइस डिक्रीज के कारण क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज और प्राइस इंक्रीज के कारण क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, और यही तो प्रूव करना है लॉ ऑफ डिमांड आखिर क्यों। सर एक और पॉइंट, हाँ, एक और पॉइंट, तू देखते तो जा, देखो भाई यहां पर देखते जा, देख देख देख, यहां पर मैंने लिखा है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन बिहेवियर ऑफ कस्टमर, इसकी वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा काम करता है, इसकी वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। क्यों सर? मार्शल मार्शल साहब, सर सर ये मार्शल साहब क्यों यूज कर रहे हो? अरे एमसीक्यू में आ जाएगा ना बच्चा। मार्शल साहब कहते हैं कि जैसे जैसे एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन करता है कोई भी इंसान, एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स का कंजम्पशन करता है तो उसका सेटिस्फेक्शन रिड्यूस होता है, उसका सेटिस्फेक्शन रिड्यूस होता है। मतलब कि अगर आपको, कंज्यूमर विल नेवर नेवर पे मोर फॉर एक्स्ट्रा यूनिट, कभी भी वो ज्यादा पैसा नहीं देगा अगर आप उसको बोलोगे एक और खरीद, कंज्यूमर विल नेवर गिव यू एक्स्ट्रा पैसा, इसीलिए आपको प्राइस कम करना पड़ेगा अगर ज्यादा बेचना है तो। और यही तो प्रूव करना था, प्राइस रिड्यूस करना पड़ा अगर ज्यादा बेचना है तो, और यही तो चाहते थे। अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर, जब प्राइस रिड्यूस होती है ना तो जो लोग उसको अक्सर नहीं खरीदते थे, जो लोग उसको अक्सर नहीं खरीदते थे वो भी खरीदने लगेंगे, इसके कारण क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इसी कारण क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। डिफरेंट यूजेस डिफरेंट यूजेस डिफरेंट यूजेस डिफरेंट यूजेस डिफरेंट यूजेस,
तो प्राइस डिक्रीज होती है ना, तो एडिशनल यूजर्स भी स्टार्ट कर देते हैं और उसके कारण क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मतलब जब प्राइस रिड्यूस हुई ना, तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी का दूसरी दूसरी जगह भी कंजम्पशन स्टार्ट कर देते हैं, अरे चलो गीजर भी चलाओ, अरे पंखा ज्यादा चलाओ, एसी भी ज्यादा चलाओ, इसके कारण क्वांटिटी इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होता है। क्या सबको समझ में आ गया? क्या सबको समझ में आ गया? सबको ये मिल जाएंगे नोट्स, चिंता नहीं करना, आखिरी दिन की चिंता नहीं करना, हमने तो अच्छी तरीके से पढ़ लिया है भाई। फिर हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर हमने देखा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या सब मेरे साथ हो अभी तक? क्या सब मेरे साथ हो? क्या सब मेरे साथ हो? सर आप कहना क्या चाहते हो हमको? अगर अब रिवाइज करना हो हमारा डिमांड चैप्टर, तो केवल ये वाले ही लेक्चर देखना है? हाँ यार, इसीलिए तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं करवा रहा हूँ। देख देख देख, आराम से बने रहे मेरे साथ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बोलता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलता है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज, व्हेन देयर इज चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। हमने बहुत सारे वेरिएबल पढ़े ना, वेरिएबल कौन से सर? प्राइस, खुद की प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टैक्सेस, और फिर कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारे फैक्टर्स होते हैं ना जिसके कारण क्वांटिटी डिमांडेड का रिस्पॉन्स हमको देखने को मिलता है, वही सारे फैक्टर की बात करें। लेकिन इस लेकिन 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 इसमें हम एक एक करके चीजें बात करेंगे। सर एक एक करके चीजें बात करेंगे, सर मतलब क्या? सर 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 मतलब ये मतलब है इसका कि फर्स्ट मेथड है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी की, मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस। सर इसका आपने ब्रेकआउट करके फॉर्मूला बताया था, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड माइनस ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी होल डिवाइडेड बाय न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस। फिर ये 100 से 100 आपने काट दिया था, फिर फॉर्मूले को ऐसे जमाया था, और जमा के हमको एक लास्ट फॉर्मूला आपने दे दिया था, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। और ये प्राइस सर ओल्ड प्राइस होता है, हमको पता है सर, ये ओल्ड प्राइस होता है और ये ओल्ड क्वांटिटी होता है, ये हमको पता है, ये ओल्ड प्राइस होता है और ये ओल्ड क्वांटिटी होता है, हमको ये पता है, ये हमको पता है सर, ये आपने बताया था हमको, हमको पता है सर। एक फिर आपने इसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड, इसको बोलते हैं परसेंटेज मेथड, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड, इसको बोलते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क इलास्टिसिटी मेथड मतलब क्या? अभी देखो ऊपर तुम्हारे पास ना ओल्ड पी ओल्ड क्यू था, ओल्ड पी और ओल्ड क्यू था, ये वाला ओल्ड पी और ओल्ड क्यू था, लेकिन जब मान लो तुमको दो पॉइंटर्स के बीच में इलास्टिसिटी निकालनी जाए, तो तुम क्या करना, तुम सारे पी वन पी टू ले लेना और नीचे वाले में क्यू वन क्यू टू ले लेना। अभी तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या था? चेंज ऑन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड पी डिवाइडेड बाय ओल्ड क्यू, ये था। लेकिन दो पॉइंट के बीच में इलास्टिसिटी निकालना पड़े जहां तुमको पता ही नहीं पुराना वाला क्यू क्या है, पुराना वाला पी क्या है, तो यहां पर ओल्ड पी प्लस न्यू पी ले लेना और यहां पर ओल्ड क्यू प्लस न्यू क्यू ले लेना। क्या सबको समझ में आ गया आर्क इलास्टिसिटी मेथड? बड़े सर क्या बात कर रहे हो आप, हाँ नहीं समझ में आया तो क्या बात कर दी, ऐसा कैसे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आना पड़ेगा उसको। सर इकोनॉमिक्स इतना इजी है क्या? हाँ बेटा, बस करना पड़ता है इजी उनके तुम्हारे लिए। देखो सर 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 पॉइंट इलास्टिसिटी पर आ गए क्या आप? हाँ, पॉइंट इलास्टिसिटी इससे एमसीक्यू आ सकता है। पॉइंट इलास्टिसिटी में क्या करते हैं, हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। जैसे ये ग्राफ प्लॉट किया ना, यहाँ पर एक लंबी सी लाइन कर देते हैं हम टोटल हमारी डिमांड कर्व की, जहां पर सेंटर में इलास्टिसिटी इक्वल टू वन होती है। सबसे ऊपर वाले पर एक्स, यहाँ पर हमारा होता है वाई एक्सेस, वाई एक्सेस के कोने पर इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है, एक्स एक्सेस के किनारे पर इलास्टिसिटी जीरो होती है, और वन और बीच के बीच में लेस देन वन होती है, और इसके बीच में ग्रेटर देन वन होती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल आर है, कैपिटल आर टी डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्मॉल टी। ये स्मॉल टी दिख रहा है क्या? स्मॉल टी दिख रहा है क्या? लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। इसके अपने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे, अभी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना, इसको बस याद कर लेना, इसको बस याद कर लेना, ठीक है समझ गया सर। इसके बाद आप ग्राफ बताए थे, आपने ग्राफ बताया था और बहुत अच्छे समझ में आता है सर, आपके ग्राफ तो मतलब मजेदार है। आपने जो ग्राफ बना के दे दिया ना हमको, इससे हमारी पढ़ाई बहुत ईजी हो जाएगी, इसीलिए तो दिए हैं अरे बच्चा तेरे को, इसीलिए तो दिए हैं, चिंता नहीं करना ठीक है। अब यहाँ पर देख, ठीक से देख, ठीक से देख, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देख, सबसे पहला पॉइंट देख, सबसे पहला पॉइंट देख, सबसे पहला पॉइंट देख। जब इलास्टिसिटी जीरो होती है मतलब क्या? इलास्टिसिटी जब जीरो होती है मतलब क्या? मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जीरो है, भले ही फिर नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए, प्राइस में कोई भी चेंज आ जाए, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक साला, इन इलास्टिक, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका जो होता है हमारा ग्राफ जो होता है, मतलब क्वांटिटी एक ही है, क्वांटिटी सेम,
प्राइस अनेक, प्राइस कुछ भी हो सकती है, प्राइस इधर की साइड आती है, प्राइस कुछ भी हो सकती है, मतलब ये होता है हमारा वाई एक्सिस से चिपका हुआ, वाई एक्सिस से एकदम एकदम ऐसे बाजू में खड़ा हुआ होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके एग्जांपल क्या होते हैं, सॉल्ट, लाइफ सेविंग ड्रग, मैंने एग्जांपल भी लिख दिया ग्राफ में, तुमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आखिरी दिन, ठीक है। सब प्रिविजन हमारा होना चाहिए आखिरी दिन के हिसाब से, कि आखिरी दिन क्या हम फटाफट रिवाइज कर पाएंगे सर? हाँ बच्चा, ऐसे नोट्स रहेंगे तो क्यों नहीं कर पाएगा। इलास्टिसिटी लेस देन 1, मतलब कि 0 से तो बड़ी है पर लेस देन 1 है, मतलब क्वांटिटी चेंजेस जो हो रही है वो स्मॉलर परसेंटेज में हो रही है एज कंपेयर टू प्राइस। क्वांटिटी चेंजेस स्मॉलर परसेंटेज में हो रही है एज कंपेयर टू प्राइस, इसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक, मतलब हो तो रही है हल्का हल्का हो रही है, हो तो रही है हल्का हल्का हो रही है, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसको थोड़ा से वाई एक्सेस से चिपक के चलता है, ये वाई एक्सेस से चिपक के चलता है, एकदम नहीं चिपकता पर एकदम ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे इसका ग्राफ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। ये नेसेसिटीज में हम देख सकते हैं, नेसेसिटीज में मतलब कि भले ही मेरी प्राइस जो है, भले ही मेरी प्राइस बढ़ गई, लेकिन मैं इतना ज्यादा चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में नहीं करता हूं, जितना मेरे को चाहिए था उतना मेरे को चाहिए भाई, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इसके बाद इज इक्वल टू 1 आ जाता है, जिसमें 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 इज इक्वल टू क्वांटिटी इज इक्वल टू 1, जहां पर जितना चेंज इसमें है क्वांटिटी डिमांड में उतना ही प्राइस में चेंज, इसको हम यूनिट इलास्टिक बोलते हैं, उसका एकदम फ्लैटर कर्व बनता है ये कंफर्ट गुड्स में, मतलब जितना हमारी प्राइस में चेंज उतना ही हमारी क्वांटिटी में चेंज, जितना हमारी प्राइस में चेंज उतना ही हमारी क्वांटिटी में चेंज। इसके बाद इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन आ जाती है, मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंजेस एज कंपेयर टू प्राइस, हमारी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा चेंज होती है एज कंपेयर टू प्राइस, परसेंटेज चेंज मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो है हमारा, न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, ये न्यूमरेटर है ना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये बड़ा होता है और ये डिनोमिनेटर छोटा होता है, इसको हम रिलेटिवली इनलास्टिक बोलते हैं, और ये भगता है वाई एक्सेस से भगता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये भगता है, भगता है, पता नहीं पूरा दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है, ऐसा ऐसा पूरा भगता है। ये लग्जरी गुड्स में हमको देखने को मिलता है कि मतलब थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है और ये भगता है, उल्टा दिख रहा है कैमरे में, ठीक है, उसको छोड़ो, यहां पर देखो, ठीक है, ठीक है। और इन्फिनिटी मतलब क्या, इन्फिनिटी में सर लोग पगले होते हैं, इन्फिनिटी में लोग पगले होते हैं कि परचेजर्स जो परचेज करने वाले प्रिपेयर टू बाई ऑल द क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी दोगे उतने में हम गिवन प्राइस पर खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन 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 आपने थोड़ा सा प्राइस चेंज किया एंड नथिंग ऑन स्लाइट इंक्रीज, और नथिंग ऑन स्लाइट इंक्रीज, और थोड़ा बहुत भी नहीं करेंगे, और इसका एक्स एक्सेस से एकदम एकदम देखते हुए चलता है, एक्स एक्सेस को देख के चलता है, पैरेलल टू एक्स एक्सेस को बोलते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में ऐसा ग्राफ हमको देखने को मिलता है, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में ऐसा ग्राफ देखने को बोलते हैं, इसको परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं, मतलब कि एक प्राइस पर तो इन्फिनिट 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 क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है आदमी, इन्फिनिट क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो मैं क्वांटिटी नहीं खरीदूंगा। क्या सब मेरे साथ है, क्या सब मेरे साथ है, क्या सब मेरे साथ है, क्या सब मेरे साथ है? हाँ सर, हम आपके साथ हैं। ये है आउटले मेथड, आउटले मेथड शायद लिखा नहीं पाया, इसको बोलते हैं आउटले मेथड। इस आउटले मेथड को क्या, सब एक बार प्रेजेंट लगा दो यार, सब अपनी सब बराबर जल्दी 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 प्रेजेंट लगा दो। अभी हमने केवल 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 हमने अभी 20 मिनट लिए होंगे और हमने बहुत हद तक डिमांड का चैप्टर रिवाइज कर लिया। यस सर, हम आपके साथ है, बहुत बढ़िया। देखो भाई, इसमें होता है इलास्टिक डिमांड, एक होता है इलास्टिक डिमांड, मतलब कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि यार 10 रुपए था एप्पल का भाव, 10 रुपए था एप्पल का भाव, 10 रुपए था एप्पल का भाव, ये 5 रुपए भी गिर गया, मतलब प्राइस रिड्यूस हुई एप्पल की, तो हमने क्वांटिटी इंक्रीज करी, 2 से 5 करी, 2 से 5 करी और ज्यादा कर दी, मतलब आधा कम हुआ एप्पल का भाव तो मेरे क्वांटिटी डबल से ज्यादा कर दी, मुझे 2 से 4 की जगह 2 से 5 खरीदने लग गया। इसके कारण मेरा टोटल एक्सपेंडिचर या फिर सेलर के रूप से देखूं तो टोटल रेवेन्यू मेरा यहां पर इंक्रीज हो गया 20 से 25, मतलब इंक्रीज इन रेवेन्यू हुआ मेरा जब प्राइस रिड्यूस हुई, मतलब प्राइस रिडक्शन से मेरा टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ बच्चा, इंक्रीज हुआ। और इसी का उल्टा एग्जाम्पल लेता तो यहां पर रिड्यूस हो जाता, इसी को तो हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, मतलब कि सर मतलब आप शॉर्ट में बता दो ना एक बार, मतलब इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, हमारा प्राइस रिडक्शन की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है और प्राइस इंक्रीज की वजह से टोटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या हुआ, प्राइस इंटू क्वांटिटी कम हो जाता है, और इसी को हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं, इसी को हम इनवर्स रिलेशनशिप बोलते हैं। क्या समझ में आ गया, क्या सबको समझ में आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, मतलब कि मेरा 10 रुपए से एप्पल का प्राइस 5 रुपए गिरा तो मैंने सेम 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 प्रोपोर्शन में क्वांटिटी बढ़ाई, 2 का 4 किया तो ये सेम रहा ना, सेम रहा, मतलब प्राइस गिरी या प्राइस उठी, आउटले मेथड में प्राइस गिरी या प्राइस उठी, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहा रे बच्चा, टोटल एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहा। क्या सबको समझ में आया है, क्या सबको समझ में आया है, क्या मजा आया है,
फिर इसके बाद सर लास्ट वाला बता दो ना, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है मेरे को पता है सर, फिर भी आप एक बार बता दो ना। अरे यार रुक जाना 2 मिनट, मतलब प्राइस हमारी रिड्यूस हुई 10 से 4 हुई, 10 से 4 हुई, तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 3 से 5 हुआ, मतलब कम हुआ। तो यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू मैंने देखा, यहाँ पर 30 रुपए आया था, 10 × 3 30 रुपए, यहाँ पर 4 × 5 20 रुपए, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हुआ। मतलब प्राइस इंक्रीज से टोटल एक्सपेंडिचर जब इंक्रीज हो जाए, प्राइस डिक्रीज से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाए, डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिले, तो हम बोलेंगे इनइलास्टिक। हम बोलेंगे ये थी आउटले मेथड, इतनी सिंपल थी सर, एमसीक्यू में आएगा मैं कर दूंगा इसको। अरे यार वही तो चाहता हूं मैं, वही तो मैं चाहता हूं, वही तो मैं चाहता हूं। फिर हमने देखा था, फिर हम आ गए थे यहां पर, फिर हम आ गए थे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पर, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड पर। सर क्या किस किस चीज से डिमांड को फर्क पड़ता है, किस किस चीज से डिमांड को फर्क पड़ता है वो बताओगे क्या? हाँ, वही बताऊंगा। यहां पर समझना, यहाँ पर समझना तू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर अच्छे से समझ लेना। देख भाई देख, अगर 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 मेरे सब्सिट्यूट जो है मार्केट में ज्यादा रहे, अगर मेरे सब्सिट्यूट मार्केट में ज्यादा रहे, अगर मेरे सब्सिट्यूट मार्केट में ज्यादा रहे, तो मेरी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। अगर ज्यादा ब्रांड्स है कार के, तो कार का अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है तो मेरे पास ऑप्शन खुल जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स अगर ज्यादा है मार्केट में, तो अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो मेरे पास ऑप्शन है, मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। अगर छोटा सा प्राइस बढ़ा उसके प्रोडक्ट में, तो मैं और किसी पर शिफ्ट हो जाऊंगा, मतलब इलास्टिसिटी ज्यादा है। अगर लेस सब्स्टिट्यूट है तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, तो इलास्टिसिटी इज लेस देन वन। नेचर ऑफ कमोडिटी, नेचर ऑफ कमोडिटी सर, नेचर ऑफ कमोडिटी मतलब, नेचर ऑफ कमोडिटी मतलब अगर 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 तुम्हारा प्रोडक्ट लग्जरी है, प्रोडक्ट लग्जरी है, तो तुम देखोगे ना यार थोड़ा सा ज्यादा महंगा है, इट इज हाई, मतलब थोड़ा सा उसका प्राइस ज्यादा है, तो आपकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। आप सोचोगे यार ये महंगी चीज है, थोड़ा सा बाद में परचेस कर लेता हूं। अगर नेसेसिटी है, नेसेसिटी है, नेसेसिटी यार लेना ही पड़ेगा अभी, मेडिसिन काइंड ऑफ है, तो ये लेस देन वन हो जाएगी। अरे अभी तो लेना ही पड़ेगा, भले ही उसकी प्राइस इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ यूजर्स, अगर नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है, जैसे मिल्क से आप स्वीट्स बना सकते हो, टी बना सकते हो, तो इसकी ग्रेटर देन वन इलास्टिसिटी होगी। मतलब उसका आप ज्यादा टाइम तक उसकी प्राइस इंक्रीज हुई, तो उसको लेना, खरीदना, कंजम्पशन करना बंद नहीं कर सकते। और अगर अगर लेस हो, अगर उसके यूजर्स कम है किसी चीज के, जैसे माचिस की तिल्ली, माचिस से आग लगा सकते हैं, तो भाई आग ही लगा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और क्या कर सकते हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी लेस देन वन होगी। सॉल्ट हो गया, नमक हो गया, उसको खाने में ऐड कर सकते हो, तो उसकी इलास्टिसिटी लेस देन वन होगी। पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट, अगर मोर मोर बजट एलोकेट करना पड़ता है उस चीज को खरीदने के लिए, जैसे क्लोथ्स वगैरह हो गए अपने, तो इंसान थोड़ा सा समझ के बूझ के खरीदेगा, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन। लेकिन लेस बजट है, अरे भैया 2 रुपए की माचिस की वो आती है, पूरा बॉटल आता है, बटन आते हैं अपने शर्ट के, अगर उसका सवा पैसे प्राइस बढ़ भी गया, तो क्या आप इतना ज्यादा फर्क माइंड करोगे? नहीं करोगे। लेस देन वन होगी इलास्टिसिटी, लेस देन वन होगी। टाइम पीरियड सर लॉन्ग रन में जो होता है ना, लॉन्ग रन में जो होता है ना, लोग इंटेलिजेंट होते हैं, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। जैसे कार का हमारा क्या प्राइस जो है पेट्रोल का बढ़ता है, कार पेट्रोल का हमारा प्राइस बढ़ता है, तो थोड़े टाइम तक तो हम सह लेते हैं, शॉर्ट रन में तो हम सह लेते हैं, इसीलिए इलास्टिसिटी लेस देन वन होती है। लेकिन लॉन्ग रन में लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर स्विच हो जाते हैं, इसीलिए इलास्टिसिटी लॉन्ग रन में मोर देन वन होती है, मोर देन वन होती है। सर टाइट डिमांड बताओ ना, कार और पेट्रोल साथ में चलते हैं, प्रिंटर और इंक उसमें साथ में चलती है। मतलब अगर मान लो मैंने कार खरीद लिया, पेट्रोल का प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है, तो क्या मैं कार चलाना बंद कर दूंगा? अरे कार चलाना बंद थोड़ी ना कर सकता हूँ, मुझे तो कार चलानी पड़ेगी। अगर मैंने प्रिंटर खरीद लिया, अगर उसमें इंक खत्म हो रही, तो मैं यूं थोड़ी ना बोलूंगा अगर इनका प्राइस बढ़ रहा है, तो क्या नहीं यार प्रिंटर नहीं चलाना अब, है ना? अगर मान लो मैंने प्रिंटर खरीद लिया है, तो मैं वो करूंगा, इसीलिए इलास्टिसिटी लेस देन वन होती है। हैबिट्स, अगर तुम नॉन हैबिचुअल हो, समझदार इंसान हो, तो तुम्हारी लेस देन वन इलास्टिक होगी। अगर हैबिचुअल हो, अगर तुमको लत लग गई, तो इलास्टिसिटी जो होगी वो लेस देन वन होगी, क्योंकि तुमको अब लत लग गई। प्राइस मॉडरेट है, मतलब मीडियम में है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा चीप है, 5 रुपए की चीज है, एक्सपेंसिव है, 10 करोड़ की चीज है, तो आपकी इलास्टिसिटी जो है लेस देन वन होगी। बिकॉज अब इतनी महंगी चीज को खरीदने जा रहे हो, तो 10-50 रुपए क्या देना, इतनी सस्ती चीज को खरीदने जा रहे हो, तो 1-2 रुपए क्या देखना, खरीद लेना भाई, इसीलिए इलास्टिसिटी लेस देन वन होती है। क्या तुम मेरे सब साथ में हो दोस्तों? क्या तुम अभी तक मेरे साथ में बने हुए हो? क्या तुम मेरे साथ में सब बने हुए हो? क्या सब तुम मेरे साथ में बने हुए हो? बोल दो ना एक बार, बोले हाँ सर अभी तक तो हम आपके साथ ही है ना, हम तो आपका साथ निभाएंगे ना, इस इकोनॉमिक्स की जंग तो आप ही पूरी करवाओगे ना, क्या सब सब बोलोगे एक बार? अरे बढ़िया बढ़िया, अरे बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर, आपने तो आधा घंटा लिया और अभी तक हमने कितना सारा पोर्शन कवर कर लिया। मतलब आप क्या कहना चाहते हो सर? मैं यूं कहना चाहता हूँ 45 मिनट में, अभी तो मैं फास्ट भी नहीं चल रहा हूँ, स्लो चल रहा हूँ, हम 40 मिनट में मुश्किल से, आधे घंटे में मान लो, आखिरी दिन आधे घंटे में डिमांड पूरा खत्म,
आखिरी दिन आधे घंटे में डिमांड पूरा खत्म, ये ध्यान रखना। बस नोट्स अपने साथ में रखना, जो से हाई सर। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, परसेंटेज चेंज इन इनकम। जैसे अपना फॉर्मूला था ना, हमारा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी, ये था ना, ये था ना। तो ये प्राइस को काट दो, ये प्राइस को हटा दो, इस प्राइस की जगह इनकम कर दो, इस चेंज इन क्वांटिटी की जगह चेंज इन इनकम कर दो, ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाता है, ये हमारा तैयार हो जाता है। इसमें अपन ने कुछ चीजें समझी दी, एक बहुत बढ़िया सा फिर हमने ग्राफ बना लिया था सर, फिर से आप चार्ट बना लाए, अरे वाह सर मजा आ जाता है, आप बना के लाओगे चार्ट तो मजा आ जाएगा। ठीक है, फटाफट फटाफट समझ लेते हैं। जब हमारी लेस देन जीरो है, इनकम इलास्टिसिटी जीरो है, मतलब कि फर्क ही नहीं पड़ रहा क्वांटिटी डिमांड को, नहीं, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव सॉरी, लेस देन जीरो जीरो नहीं, नेगेटिव है मतलब उल्टा चल रही है। जब मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, जब इनकम मेरी डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई है, नेगेटिव नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी जो है, ये हमारी हमारी जो होती है, ये हमारी जो होती है इनफीरियर गुड्स में देखने को मिलती है। जो हमने गिफन गुड्स देखे थे, हम हमारे इन्फीरियर गुड्स देखे थे, उसमें हमको नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी देखने को मिलती है। जीरो इनकम इलास्टिसिटी सर मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जब हमारी इनकम चेंज हो रही है। कैसे, जैसे बटन खरीदता हूँ ना मैं, बटन, ये बटन अगर मेरी मान लो 10 लाख रुपए इनकम बढ़ भी जाती है तो क्या मैं बटन ज्यादा खरीदने लग जाऊंगा, नहीं भाई, जितनी शर्ट है उतनी बटन खरीदूंगा ना, ज्यादा थोड़ी ना खरीदूंगा। इसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं। जैसे अल्टीमेट नेसेसिटी हो गया, कोविड ड्रग हो गया, इनकम से इतना ज्यादा कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतना ज्यादा क्या कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसके बाद हमने देखा था, इसके बाद हमने देखा था ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, मतलब फर्क तो पड़ रहा है, फर्क तो पड़ रहा है लेकिन इतना नहीं पड़ रहा। क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस इन लेस प्रोपोर्शन टू कंपेयर टू इनकम, मतलब इनकम जितनी इंक्रीज हो रही उतनी ज्यादा इनकम, उतनी ज्यादा क्वांटिटी इंक्रीज नहीं हो रही। इसको बोलते हैं हम इनइलास्टिक, इनइलास्टिक ये नेसेसिटीज में हमको देखने को मिलता है। जब हमारी वन है, इनकम इलास्टिसिटी वन है, मतलब उसी प्रोपोर्शन में हमारा क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुआ जिस प्रोपोर्शन में हमारी इनकम इंक्रीज हुई, इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। जनरली कंफर्ट क्लोज, हमारे जो कंफर्ट गुड्स क्लोज वगैरह में ये देखने को मिलता है। और ग्रेटर देन वन मतलब कि इनकम अगर 10% से इंक्रीज हुई है तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा ज्यादा पोर्शन से इंक्रीज होती है, हम इसको इलास्टिक इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। लग्जरी गुड्स में क्रॉस देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा है क्या सबको, मजा आ रहा है बताओ ना, बोर तो नहीं हो रहे हो ना तुम लोग, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, बोर तो नहीं हो रहे हो ना, मजा आ रहा है ना सबको कि बोले हाँ सर हमारे रिवाइज बहुत अच्छे से हो रहा है, एक बार बोलो ना, एक बार बोल दो ना, हाँ सर मजा आ गया सर, आज तक इकोनॉमिक्स ऐसा नहीं पढ़ा हमने, मजा आ गया, नोट्स आपके बेहतरीन है, नोट्स बेहतरीन है तो मजा आएगा इसी। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब कि यहां पर हम इसके परसेंटेज चेंज ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो अपने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री देखा था ना, परसेंटेज जो हमने रिलेटेड गुड्स में देखा था ना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन रिलेटेड गुड्स देखना है हमको, मतलब कि हमने पूरा फॉर्मूला ब्रेकआउट किया था कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पर ये एक्स की जगह हम वाई ले लेते हैं, ये एक्स की जगह वाई ले लेते हैं, और हमारा फॉर्मूला कैसा हो जाता है, हमारा फॉर्मूला ऐसा हो जाता है, हमारा वाई यहाँ पे आ जाता है और हमारा एक वाई यहाँ पर आ जाता है, एक वाई हमारा यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, वाई हमारा यहाँ पर आ जाता है। ये दो प्रकार के गुड्स में हमने देखा था, एक था हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स शुरू में ही बताया था भाई, इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है किसमें, प्राइस ऑफ टी में और डिमांड ऑफ कॉफी में, इसीलिए इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है। यहाँ पर देखो ये प्राइस ऑफ टी है और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ कॉफी है, जब प्राइस हमारी टी की, जब हमारी प्राइस प्राइस हमारी टी की 10 से 20 हो गई, 10 से 20 हो गई, तो हमारी क्वांटिटी कॉफी की 10 से 20 हो गई, मतलब कि जब प्राइस टी का चाय का भाव बढ़ा तो लोग क्वांटिटी पर शिफ्ट हो गए, इसीलिए इसका अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बना, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बढ़ा। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होती है प्राइस ऑफ कार में और डिमांड ऑफ पेट्रोल में, कार का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग पेट्रोल भी कम कंज्यूम करने लगते हैं, बिकॉज लोग कार खरीदते हैं, लोग कार खरीदते हैं। यहां पर देखो मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, ये कार का प्राइस दे रखा है 10 लाख रुपए, जब कार का भाव था तो लोग 100 लीटर पेट्रोल डलवाते थे, जब कार का प्राइस डिक्रीज हो गया 8 लाख रुपए हो गया तो लोगों ने कार ज्यादा खरीदी, कार लोगों ने ज्यादा खरीदी तो लोगों ने पेट्रोल भी ज्यादा डलवाया, इसीलिए 100 लीटर से 200 लीटर हो गया और हमारा कर ऐसा बना। क्या सबको समझ में आ गया, क्या 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 ग्राफ से भी समझ में आ गया तुमको, क्या ग्राफ से भी समझ में आ गया, बोला हाँ सर क्या समझाया, मजा आ गया सर, कल की स्लाइड पूरी कर दो ना, हाँ यार ये देख लो, ये कल का छोटा सा बचा है जो हमने कल आखिरी आखिरी में पढ़ा था। यहाँ पर देखो क्रॉस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी कब होती है, इन्फिनिटी कब होती है, जब क्रॉस जो हमारा कमोडिटी एक्स है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है वाई का, मतलब कि छोटा सा एक्स की प्राइस में चेंज उससे परफेक्ट
बहुत कॉफी इंफिनिटी तक वाई के प्राइस में चेंज, उसको हम बोलते हैं इंफिनिटी क्रॉस इलास्टिसिटी। जीरो कब होती है? जब रिलेटेड ही नहीं है, जब रिलेटेड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया था, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कल एग्जाम्पल दिया था, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, मोबाइल में और बॉटल में कोई रिलेशन है क्या? अगर मोबाइल की प्राइस बढ़ गई तो बॉटल की डिमांड को कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा सर। क्या बात कर रहे हो? नेगेटिव कब होगी? नेगेटिव, नेगेटिव अपने ऊपर ही देखा, नेगेटिव कब होगी? नेगेटिव कब होगी? जब वहां पर इनवर्स रिलेशनशिप होगा। नेगेटिव कब होगी? जब वहां पर इनवर्स रिलेशनशिप होगा, और इनवर्स रिलेशनशिप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। और पॉजिटिव कब होगी? पॉजिटिव कब होगी? पॉजिटिव सर जब डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप किस में होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप किस में होता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या ये भी चार्ट समझ में आ गया? बोले हाँ सर। इसके बाद क्या बताया आपने? सर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे की वजह से डिमांड में कितना फर्क आया वो देखने की बात करते हैं। यहाँ पर इलास्टिसिटी हमारी जीरो कब होती है? जब डिमांड को चेंज ही नहीं हुई एडवर्टाइजमेंट के खर्चे से। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी हमारी ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन कब होती है? मतलब कि इतना तो चेंज हुई, लेस प्रोपोर्शन से चेंज हुई सर। जितना एडवर्टाइजमेंट किया था उतने से ज्यादा चेंज नहीं हुई। मतलब हुई तो सही, हुई तो सही, पर लेस देन वन हुई। वन कितना? वन कब आएगा? जब एग्जैक्ट उतना सेम प्रोपोर्शन में चेंज हुई। और मोर देन वन कब होगा? जब ज्यादा प्रोपोर्शन से चेंज हुई हमारे एडवर्टाइजमेंट। हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे साथ में, हमने इसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। क्या तुम लोग मेरे साथ हो? क्या सबको मजा आया? क्या सबको मजा आया? मैंने पूरी अपनी मेहनत, शिद्दत, लगन से तुमको पूरा का पूरा रिवाइज करवा दिया। आज हमारा अंतिम चरण पर चैप्टर है, आज हमारा डिमांड जो है पूरा कवर हो जाएगा। बताओ बताओ, वैलेंटाइन गिफ्ट बाय यू मोहित भैया, थैंक्स फॉर द अमेजिंग नोट्स। तो पिछले 6 लेक्चर्स का रिवीजन कर लिया, पिछले 6 लेक्चर्स का रिवीजन कर लिया। और ये हमने बहुत फास्ट किया, मतलब आधे घंटे मान लो तुम इसको, मतलब ये यहां तो मैंने थोड़ा सा ज्यादा टाइम लिया तुम सबके साथ, यहां तो मैंने तुम सबके साथ ज्यादा टाइम लिया ये समझ लो। थक गया मैं। कैसा लगा रिवीजन? कैसा लगा रिवीजन? मजा तो इतना आया कि समझा नहीं सकते। अच्छा आज एक और गिफ्ट है, पता? आज एक और गिफ्ट है जो तुमको टेलीग्राम पर एक वीडियो मिल जाएगी, आज ही अपलोड हो जाएगी। होप आज ही अपलोड हो जाए, वैसे होना तो उसको आज ही चाहिए। टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एक बार पानी पी लेते हैं सर। अरे बिल्कुल पी लो यार भाई, मिस्टर परफेक्ट, बिल्कुल पी लो। कैसा लगा यार? कैसा आनंद आया? नहीं आया यार, हमने पूरा अभी तक पूरा रिवाइज कर लिया। इन्फिनिटी का एग्जाम्पल सर, इन्फिनिटी कहां पर? इन्फिनिटी कहां पर? कौन सा इन्फिनिटी का एग्जाम्पल की बात कर रहे हो दोस्त? यहां पर, इस वाली इन्फिनिटी की बात कर रहे हो क्या? देखो इसका एग्जाम्पल यार जनरली तो ऐसा निकाल नहीं सकते कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कब हो, लेकिन जैसे सॉल्ट के ब्रांड होते हैं ना, टाटा सॉल्ट और एक आध ब्रांड बता दो सॉल्ट का, मतलब सॉल्ट में इतना ज्यादा तो चेंजेस रहता नहीं है, सॉल्ट तो नमक है, तो ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं उनको। मतलब कि अगर थोड़ा सा प्राइस सॉल्ट का, अगर टाटा सॉल्ट का बढ़ जाए तो लोग फटाफट शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे सॉल्ट पर, उनको सेम रखना ही पड़ेगा। टाटा सॉल्ट और उसका एग्जाम्पल दे देते अन्नपूर्णा सॉल्ट, टाटा सॉल्ट एंड अन्नपूर्णा सॉल्ट, अन्नपूर्णा सॉल्ट सर आपको देखते ही आनंद आ जाता है। आज तो सुपर प्रो मैक्स आनंद आया, सुपर प्रो मैक्स, सुपर प्रो मैक्स, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। बस अब छोटा सा पोर्शन बचा है, वो खत्म करवाना है सर। अमेजिंग रिवीजन एंड नोट्स, क्या बात है, आज तो आप गिफ्ट पे गिफ्ट दे रहे हो। हाँ यार तुम लोगों के लिए ही है। चलो चलो चलो, क्या हम आगे का भी पोर्शन खत्म करके डिमांड को स्वाहा कर दें? क्या हम आगे का भी पोर्शन खत्म करके डिमांड को स्वाहा कर दें? क्या तुम मेरे साथ दोगे? क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या तुम मेरा साथ दोगे? देखो 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 यार, हम पहुंच जाते हैं स्टडी मटेरियल पर। हम दोस्तों पहुंच गए हैं स्टडी मटेरियल पर। क्रिस्टल क्लियर, गो अहेड। क्रिस्टल क्लियर, अब मेरे को मिल गई है इजाजत, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। थोड़ा सा मेरा अगर तुमने साथ दिया,
अगर थोड़ा सा तुमने मेरा साथ दिया तो आज हमारा डिमांड खत्म। देखो देखो सब कुछ यार, देखो मैं तुम्हारा स्टडी मैट नहीं छोड़ रहा हूँ। तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सर अपने नोट्स दे रहे हैं लेकिन स्टडी मैट नहीं छोड़ रहे थे। यही तो कला होती है, ऐसे ही तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ जाता है। ठीक है, आगे अटेम्प्ट नहीं लगने दूंगा तुमको। मैं पढ़ने का तरीका भी बता दूंगा आगे आईपीसीसी और फाइनल में जो तुमको काम में आएगा। क्या आईपीसीसी और फाइनल में जो तुमको बहुत काम में आएगा, तुम याद रखोगे कि अरे वाह यार सर आपने क्या सिखा दिया, पढ़ते कैसे हैं ये सिखा दिया। क्या सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? आज हमन समाप्त हो जाएगा, आज हमन समाप्त हो जाएगा। सही बात है रितु। ठीक है, क्या सब मेरे साथ हैं फिर टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने? कमिंग संडे फुल फुल टेस्ट ऑफ डिमांड, कमिंग संडे फुल फुल टेस्ट ऑफ डिमांड। आज प्रसाद भी मिल जाएगा और हवन भी समाप्त हो जाएगा आपसे। चलो 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 चलो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, देखो अब इनमें ना बहुत सिंपल सिंपल सा वो होता है, इसके नोट्स में एडिशन कर दूंगा। ठीक है, अभी बस समझ लो इसमें इसमें क्या होता है। देखो एक होता है प्रोड्यूसर्स गुड, एक होता है कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर्स गुड्स क्या होते हैं? विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। जैसे प्रोड्यूसर गुड्स हो गया, एक एक हो गया प्रोड्यूसर गुड्स और एक हो गया कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कि मशीन्स, प्लांट एंड मशीनरीज, ठीक है, जिससे दूसरे गुड्स के हम प्रोडक्शन करते हैं। और कंज्यूमर गुड्स मतलब रेडीमेड क्लोथ्स, गुड्स, रेसिडेंशियल हाउस, मतलब कि एक हो गए अपनी मशीन्स जिनको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स और एक हो गए अपने क्लोथ्स जिनको हम बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। क्या सबको समझ में आ गया? बोले हाँ सर, ये तो सिंपल सा था, इसके नोट्स में ऐड कर देना सर आप। हाँ कर दूंगा कर दूंगा, चिंता नहीं करना। एक होता है ड्यूरेबल गुड्स, एक होता है ड्यूरेबल गुड, एक होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। सर ड्यूरेबल गुड मतलब ड्यूरेबल, ड्यूरेबल चलेगा, अच्छा चलेगा, अच्छा चलेगा। नॉन ड्यूरेबल केवल एक बार चलेगा, ओनली वन टाइम यूज, ओनली वन टाइम यूज। ये नोट्स में ऐड कर दोगे ना सर आप? हाँ कर दूंगा, अभी बस तू समझ ले। ड्यूरेबल मतलब अच्छा चलेगा, जैसे क्लोथ्स हो गया, मशीन्स हो गई, मोबाइल हो गया, कार हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ड्यूरेबल चलेगा चलेगा। नॉन ड्यूरेबल सब्जी हो गई, आपकी कोको कोला की बॉटल हो गई, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, बेवरेजेस हो गया। क्या एग्जाम्पल भी सबको समझ में आया है? फटाफट हाँ लिखते जाओ। हाँ हाँ सर, सर बहुत बढ़िया सर, आपने पढ़ रखा है स्टडी मटेरियल पहले से? हाँ यार तुम्हारे सामने थोड़ी ना पढ़ूंगा, पहले से मेरे को पता है सारी चीजें, तुम्हारा टाइम वेस्ट थोड़ी ना करूंगा, तुम्हारा रिवाइज करवाना है मेरे को। हाँ हाँ ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, आप तो गजब ही मेहनत करके आते हो। डिराइव डिमांड और ऑटोनोमस डिमांड। डिराइव डिमांड मतलब जो दूसरी चीजों से ड्राइव होकर डिमांड आती है, और ऑटोनोमस डिमांड मतलब मेरी खुद की डिमांड है भाई, मैं किसी पर डिमांड नहीं हूँ। डिराइव डिमांड मतलब कहाँ से ड्राइव होकर डिमांड आती है, ड्राइव होकर डिमांड आती है। जैसे कि सर एग्जाम्पल दो ना। बिल्कुल एग्जाम्पल देता हूँ। देख डिराइव डिमांड जो होती है ना, जैसे कि सीमेंट की डिमांड, सीमेंट की डिमांड, सीमेंट की डिमांड कब आएगी? जब बनेगा घर, जब बनेगी बिल्डिंग। मतलब सीमेंट की डिमांड अलग से डिमांड नहीं है, सीमेंट की डिमांड तब आती है जब उसकी में लगने वाली चीज मतलब जिससे वो मेन प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बढ़ती है तो सीमेंट की डिमांड आती है। इसको बोलते हैं हम डिराइव डिमांड। और ऑटोनोमस डिमांड मतलब, ऑटोनोमस डिमांड मतलब, ऑटोनोमस मतलब कि क्लोथ्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर हम ले, एक एग्जाम्पल दे देता हूं तुमको, उसी में लगने वाला तुम बताना एग्जाम्पल कैसा क्वालिटी वाला है, अभी अभी आया है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ्स है, क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स जो है क्लॉथ्स की होगी ऑटोनोमस डिमांड। रितु तिवारी, और क्लोथ्स की होती है ऑटोनोमस डिमांड। यार हम डायरेक्ट डायरेक्ट इसको कंज्यूम करते हैं। तो मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, बटन, बटन की क्या हुई? जो क्लोथ्स में लगने वाला है बटन, उसकी क्या हुई? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल देखो। अगर क्लोथ्स है ऑटोनॉमस डिमांड तो बटन की क्या हुई? बटन हुई डिराइव डिमांड। जल्दी लिखो यार, बटन की क्या हुई? बटन की क्या हुई? बटन की क्या हुई? डिराइव्ड, डिराइव्ड डिमांड, डिराइव डिमांड। फटाफट इधर कॉन्सेंट्रेट करो, चैट बॉक्स में नहीं, इधर कॉन्सेंट्रेट करो। मैंने बोला क्लोथ्स की तो ऑटोनोमस डिमांड हो जाती है, मतलब वो खुद की डिमांड, मतलब वो खुद की डिमांड है, और बटन मतलब डिराइव डिमांड। फटाफट फटाफट, जो नहीं लिखा डिराइव डिमांड मतलब वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर रहा है।
जल्दी जल्दी, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया यार, बटन और क्लोथ। एक होता है डिमांड फॉर फॉर्म्स प्रोडक्ट और इंडस्ट्री डिमांड, एक होता है डिमांड फॉर फॉर्म्स प्रोडक्ट, डिमांड फॉर फॉर्म्स प्रोडक्ट, और एक होता है इंडस्ट्री डिमांड। फॉर्म्स प्रोडक्ट मतलब उसकी खुद की फॉर्म, फॉर्म जो खुद बनाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, यहां पर लिखा हुआ है कि टोटल डिमांड फॉर स्टील इन द कंट्री, इंडस्ट्री डिमांड को हम कहेंगे टोटल डिमांड फॉर स्टील इन द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, स्टील की जो टोटल डिमांड होगी कंट्री में उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्री डिमांड। लेकिन टाटा स्टील की क्या डिमांड हुई, टाटा स्टील की जो डिमांड होगी इसको हम बोलेंगे फर्म डिमांड, मतलब उस कंपनी में उसके स्टील की डिमांड। क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया? टाटा स्टील, टाटा आयरन की डिमांड फर्म डिमांड होगी, और टोटल स्टील, टोटल आयरन की कितनी डिमांड है कंट्री में, उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्री डिमांड। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिमांड, शॉर्ट रन, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिमांड, मतलब कि शॉर्ट रन डिमांड रिफर्स टू डिमांड विद एन इमीडिएट रिएक्शन टू चेंज इन प्रोडक्ट प्राइस एंड प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, मतलब जो छोटे टाइम में डिमांड होती है, शॉर्ट रन डिमांड, जो छोटे टाइम में डिमांड होती है उसको शॉर्ट रन डिमांड बोलते हैं, और लॉन्ग टर्म जो लंबे समय तक चलती है, लंबे समय तक चलती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी का रेट रिड्यूस हो जाए तो शॉर्ट रन में लोग क्या करेंगे, उसको ज्यादा यूज करेंगे, यूजर्स विल गेट ग्रेटर यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, लेकिन लॉन्ग रन में क्या करेंगे, मोर एंड मोर पीपल विल इंड्यूस टू बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लोग ज्यादा उपयोग करेंगे। मतलब क्या सर, एक बार और बोलो, नहीं आपने आखिरी में क्या बोल दिया, सब सुनोगे ठीक से तो मैं एक बार में ही बात खत्म कर दूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट मेन है, प्राइस बढ़ गई तो शॉर्ट रन में क्या होगा, शॉर्ट रन डिमांड क्या होगी, जो ऑलरेडी अप्लायंसेस हैं, एग्जिस्टिंग अप्लायंस ही यूज करेंगे लोग, उसमें ज्यादा कंज्यूम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन लॉन्ग रन में प्राइस, सॉरी प्राइस रिड्यूस करो इलेक्ट्रिसिटी की, अगर इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में प्राइस रिड्यूस होती है तो एग्जिस्टिंग अप्लायंसेस को यूज करेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में लोग और ज्यादा अप्लायंसेस खरीदेंगे, और ज्यादा अप्लायंसेस खरीदेंगे, और ज्यादा अप्लायंसेस खरीदेंगे। क्या सबको समझ में आ गया, क्या सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ू मैं, क्या सब मेरे साथ है, क्या सब मेरे साथ है? हाँ सर है ना, हम है ना आपके साथ ही, ये तो है। देखो 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 देखो, यहाँ पर एक चीज और, ये एमसीक्यू में भी मैंने एक बार पूछ लिया था वैसे, जो डिमांड फॉर नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर, नॉन ड्यूरेबल मतलब वन टाइम यूज, उस किस किस चीजों की वजह से इसको फर्क पड़ता है, डिस्पोजेबल इनकम, कितना जेब में पैसा है, उसकी प्राइस कितनी है, और डेमोग्राफिक, जहां पर हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, ह्यूमन यू नॉन ह्यूमन कहां पर हो, ये तीन चीजों की वजह से नॉन ड्यूरेबल गुड्स को फर्क पड़ता है। किन किन तीन चीजों की वजह से, डिस्पोजेबल इनकम, उसकी प्राइस, और डेमोग्राफी, जहां पर वो है, जहां पर वो है। क्या समझ में आ गया, नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से फर्क पड़ता है, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइस और डेमोग्राफी, प्राइस और डेमोग्राफी। सर नॉन ड्यूरेबल के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं क्या, नॉन ड्यूरेबल के भी कुछ फैक्टर्स होते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे कि कंज्यूमर कैन, जो नॉन ड्यूरेबल है ये मोर देन वन है, मोर देन वन टाइम यूज, मोर देन वन टाइम यूज, मोर देन वन टाइम यूज। हाँ देखो, उसने लिख दिया तो याद भी हो जाएगा उसको, फटाफट फटाफट लिख दो, तो फटाफट फटाफट लिखो कि ये ड्यूरेबल गुड्स का जो है फैक्टर्स किस किस वजह से इन्फ्लुएंस होता है, फटाफट लिख दो, फटाफट लिख दो, चलो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट लिख दो, जल्दी जल्दी लिख दो, सब लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस किस चीजों की वजह से फर्क पड़ता है नॉन ड्यूरेबल को, फटाफट लिख दो, जैसे समथिंग डिफरेंट ने लिखा है। डेमोग्राफिक, डिस्पोजेबल, प्राइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डेमोग्राफी, प्राइस, इनकम, डेमोग्राफी, प्राइस एंड इनकम, डेमोग्राफी, प्राइस एंड इनकम, अगर एमसीक्यू में आए तो ऑल ऑफ द अबाउट टिक करोगे ना? हाँ सर कर देंगे, आप आगे बढ़ो। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, मतलब कि ड्यूरेबल गुड्स मतलब अपने जो मोर देन वन टाइम यूज होते हैं, तो कौन कौन सी चीजों की वजह से फर्क पड़ता है, सोशल स्टेटस क्या है, प्रेस्टीज क्या है, लेवल ऑफ मनी क्या अर्न करता है, ठीक है, और दूसरी जो उस ड्यूरेबल यूज चीज को यूज करने में चीज आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, रोड जो है,
अगर कार की डिमांड जो है, कार की डिमांड जो कि एक बार उससे ज्यादा यूज आएगी, तो रोड अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी और रेफ्रिजरेटर, अगर रेफ्रिजरेटर की डिमांड हमको बढ़ानी है तो इलेक्ट्रिसिटी टाइम टू टाइम आनी चाहिए, ठीक है। इनकम क्या है, फैमिली की साइज क्या है, रिप्लेसमेंट डिमांड कितनी है, मतलब अगर सच में यूज है उस चीज का, मतलब रिप्लेस करेगा सामने वाला, तो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है, ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल है, यानी उस चीज से भी फर्क पड़ेगा ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड को, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स, सर इसके नोट्स बना दोगे ना आप शॉर्ट टर्म में, इतना कैसे पढ़ेंगे एग्जाम। अरे हाँ यार भाई, ऐड कर दूंगा उसको, अभी तो बस मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर गुड्स अपन ने ऊपर पढ़ा था। प्रोड्यूसर गुड्स मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर गुड्स मैंने बोला था तुमको, प्रोड्यूसर गुड मतलब क्या, प्रोड्यूसर गुड्स मतलब कि आर दोस विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, जैसे कि मशीन्स, मशीन प्लांट एंड मशीनरी, वो होते हैं प्रोड्यूसर गुड। उनकी डिमांड कब कब फर्क पड़ती है, उसके जो यूजर, उसमें जो काम में आने वाली है, यूजर जो चीज से बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ की मशीन जो है, उसकी डिमांड कब बढ़ेगी, जब 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 क्लोथ्स की डिमांड बढ़ेगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ यूजर इंडस्ट्री, उसी हिसाब से नॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स पर यूनिट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी, जब ओवरऑल डिमांड क्रिएट होगी कंट्री में, तब उसके मशीन्स की डिमांड, प्रोड्यूसर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। क्या सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया सर? अगले 10 मिनट में पूरा खत्म हो जाएगा क्या ये? हाँ बच्चा, बस 10 मिनट रुक जा मेरे साथ, 10 मिनट रुक जा। आज थोड़ा सा भले हैवी लग रहा होगा तेरे को, हैवी लग रहा है क्या, किसी को हैवी लग रहा है क्या, किसी को भी हैवी लग रहा है क्या कि सर आज थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो गया, किसी को भी हैवी लग रहा है क्या कि हाँ सर आज थोड़ा सा ज्यादा हैवी हो गया, ठीक लग रहा है ना? क्या हम खत्म कर दें, क्या हम खत्म कर दें? कम ही है भाई, कम ही है। हैवी तो नहीं लग रहा ना तुमको, क्या मैं खत्म कर दूं? डिमांड फोरकास्टिंग बचा है, मतलब बस 10 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अपन कल नया चैप्टर शुरू कर सकते हैं, कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत तो नहीं है, नॉट इट इज नॉट हेक्टिक। हाँ, डाउट सेशन ले लेंगे, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना सर, कर दो ठीक है। डिमांड फोरकास्टिंग कैसे कैसे करी जा सकती है, बस मेरे साथ बने रहना, तुमको ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत है। डिमांड फोरकास्टिंग कैसे कर सकती है, सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, मतलब जो लोग उस चीज को खरीदने वाले, उनका सर्वे ले लो, सर्वे ले लो, जैसे जो जो लोग पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनका इंटरव्यू ले लो, या फिर सैंपल सर्वे ले लो, कुछ लोगों को साइंटिफिकली चूज के उनका सर्वे ले लो। एंड यूज मेथड मतलब फोरकास्ट कर लो इनपुट से, और आइडेंटिफाई कर लो फाइनल यूजर कौन रहेंगे, उनका सर्वे ले लो, मतलब एक तरीके से सर्वे ले लिया हमने, सर्वे ले लिया। लेकिन इसमें क्या होता है, जो पूरा फोरकास्टिंग का बर्डन है वो कस्टमर पर हो जाता है, और कस्टमर में देमसेल्फ मिसजज, अरे हमको समझ में नहीं आता हमको सच में चाहिए नहीं चाहिए, और हम तो बस सर्वे में हाँ हाँ बोलते हैं, अच्छा ये प्रोडक्ट ला रहे हो, अच्छा हाँ ठीक है ले आओ बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट ला रहे हो हाँ बहुत अच्छा है, हम तो ऐसा बोल रहे हाँ बढ़िया प्रोडक्ट है लाओ लाओ, मतलब हम खुद ही सर्वे गलत कर देते हैं। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, कलेक्टिव मतलब जो सेल्स फोर्स है ना, मतलब जो ये सेल्स फोर्स है ना, जो ये प्रोडक्ट बेचती है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, उनसे जाके पूछ लेते हैं कि यार हमारी कंपनी जो है ये नया प्रोडक्ट निकालने वाली है, तो क्या सेल्स वालों इसकी डिमांड रहेगी, क्या सेल्स वालों इसकी डिमांड रहेगी क्या, इन सेल्स एग्जीक्यूटिव से पूछ लेते हैं। जब सेल्स एग्जीक्यूटिव से पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड बोलेंगे, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड बोलेंगे। जब सेल्स फोर्स से हम जाके पूछ लेते हैं, सेल्स फोर्स से जाके हम फोरकास्टिंग मतलब हमने डिमांड को फोरकास्ट करना, फोरकास्टिंग मतलब डिमांड को फोरकास्ट करना यार कितनी डिमांड होगी, क्या कलेक्टिव ओपिनियन मेथड समझ में आ गई? हाँ सर, कलेक्टिव ओपिनियन मेथड भी समझ में आ गई, क्या सबको समझ में आ गया? एक एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड होता है, एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब हमने एक्सपर्ट लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को बुला के पूछ लिया गया, प्रोफेशनल लोगों प्लीज हमको हेल्प करो ना, प्रोफेशनल लोगों हमको हेल्प करो ना, इसकी डिमांड कितनी होनी, और वो बोलेंगे चलो ठीक है हम हेल्प कर देते हैं। एक डेल्फी टेक्निक भी होती है, डेल्फी टेक्निक मतलब क्या होता है, हमने क्वेश्चन ईयर बनाया, कोऑर्डिनेटर ने क्वेश्चन ईयर बनाया, उसके रिस्पॉन्सेस सारे एक्सपर्ट से सबमिट करवाए कि क्या इसकी डिमांड रहेगी डिमांड नहीं रहेगी, इससे सबमिट करवाया, फिर कोऑर्डिनेटर जो होता है, कोऑर्डिनेटर ने जिसने क्वेश्चन ईयर परफॉर्म किया था वो एनालाइज करता है, एनालिसिस परफॉर्म करता है। अगर अगर सारे एक्सपर्ट के ओपिनियन मैच हो रहे हैं, ओपिनियन मैच हो रहे हैं, तो वो कॉन्सेंसस रीच मतलब ओपिनियन मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ओपिनियन मैच हो रहे हैं ना तो वो फोरकास्ट तैयार कर लेता है। अगर मान लो ओपिनियन मैच नहीं हो रहे, अगर मान लो ओपिनियन मैच नहीं हो रहे तो वो वापस भेज देता है, कोऑर्डिनेटर वापस क्वेश्चन ईयर अपडेट करता है, फिर वापस एक्सपर्ट को भेजता है, फिर एक्सपर्ट वापस एनालिसिस करता है, फिर एनालिसिस के बाद
वापस ओपिनियन मैच किए जाते हैं और ओपिनियन मैच कर देते हैं तो फोरकास्ट बना लेता है। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? ये डेल्फी टेक्निक बोलते हैं इसको, मैं नोट्स में अपडेट कर दूंगा, इसको डेल्फी टेक्निक बोलते हैं। इतने ज्यादा एमसीक्यू नहीं आते इसके, पर स्टिल हमको तो पूरा रिवाइज करना है। क्या सबको समझ में आ गई ये टेक्निक, डेल्फी टेक्निक? क्वेश्चन ईयर बनाया, भेज दिया, अगर इक्वल हो गया तो आगे भेज दिया, अगर इक्वल नहीं हुआ तो वापस भेजा, और वापस उसको साइकिल चलाती रही जब तक हमारा इक्वल नहीं हुआ। ठीक है सर, सर बहुत बढ़िया समझा देते हो यार आप, एक बार में ऐसा समझाते हो कि हमको कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, एक होता है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड वही ट्रेंड प्रोजेक्शन करना कि यार अपना जो है 2021-22 में इतना डिमांड था, 2022 में इतना डिमांड है, तो 2023 में इतना होगा, इसके हिसाब से हमारा बन रहा है। तो इसको स्टैटिस्टिकल मेथड, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, ट्रेंड के हिसाब से क्या क्या ट्रेंड था, तो इसमें दो मेथड आ जाती है। इसमें दो मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ्स के थ्रू हमने देख लिया, फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन, मतलब एक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू हम देख लेते क्या ट्रेंड रहेगा, क्या लीस्ट स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है स्टैटिस्टिकल मेथड की, ये बस पास्ट ट्रेंड के हिसाब से निकाल रही है, जो कि गलत भी हो सकती है। एक रिग्रेशन एनालिसिस अपन आगे देखेंगे, जो तुम स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हो, जिसमें एक जो है हम रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेते हैं, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बस ये देख लो कि एक एनालिसिस होती है स्टैटिस्टिकल मेथड में, ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड, और ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड में दो होता है, ग्राफिकल मेथड और फिटिंग ट्रेंड इक्वेशन, और अगर इसमें आया एमसीक्यू तो हमको मानना है। इसके बाद होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स मतलब कि हम जाते हैं कुछ चीजों को कॉन्स्टेंट ले लेते हैं कि भैया यार मार्केट कंडीशन ये रहेगी, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा ये रहेगा, फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करते हैं। हर चीज को कंट्रोल करके एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है ना, तो उसको कंट्रोल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि अगर इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये आखिरी वाला ही पेज है अपना, ये इसका आखिरी वाला ही पेज है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो हमारा खत्म हो रहा है, आखिरी वाला पेज है। देखो, फ्यूचर डिमांड हम एस्टिमेट करते हैं बाय कंडक्टिंग मार्केट स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन कंज्यूमर बिहेवियर लाइक एक्चुअल कंट्रोल्ड एंड मार्केट कंडीशन। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज मार्केट एक्सपेरिमेंट मेथड। एन एफर्ट इज मेड सेपरेटली सर्टेन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड विच कैन बी मैन्युपुलेटेड, फॉर एग्जाम्पल प्राइस, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा, एंड कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट एज्यूमिंग दैट द अदर फैक्टर्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट। मतलब कि हमने एक फैक्टर को पकड़ा और दूसरे फैक्टर को कांस्टेंट मान लिया, और फिर हमने देखा कि डिमांड कैसे होने वाली, डिमांड कैसे होने वाली, उसको बोलते हैं हम कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बात समझ में आई। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, द मेथड ऑफ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इज यूज रिलेटिवली लेस, लेस यूज होती है बिकॉज दिस मेथड ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग इज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होती है, बिकॉज किसी फैक्टर को आप कांस्टेंट मान लिए, फिर दूसरे फैक्टर पर काम करना कितना कंबरसम हो सकता है, कितना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट होती है और बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मार्केट एक्सपेरिमेंट्स कैन ऑल्सो भी रिप्लेस बाय कंट्रोल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स और कंज्यूमर क्लिनिक, अंडर विच कंज्यूमर्स आर गिवन अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी। मतलब हमने 1 लाख रुपए लिए और कंज्यूमर को जाकर दे दिए और उनको बोला जाओ जो खरीदना खरीदो, जो खरीदना खरीदो, और वो अब जो खरीद के लाएंगे उससे हमारी डिमांड फोरकास्ट होगी। लेकिन इसको फिर वापस समझा जाए तो कितना ज्यादा खर्चीला चीज हो गई है, मतलब लोगों को पैसा दे देना, उनको बोलना जो खरीदना खरीदो, मतलब ये तो कितनी बड़ा बजट के साथ एक कंपनी को काम चलाना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब हमने एक्सपेरिमेंट किए, कंट्रोल देके कुछ हमने कॉन्स्टेंट पुट कर दिया और हमने दूसरी चीजों को देखा। एक होता है बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, बैरोमेट्रिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, बैरोमेट्रिक भी ठीक से अच्छे से पढ़ लो। बैरोमेट्रिक में क्या होता है, बैरोमेट्रिक में क्या होता है, बेसिकली बेसिकली यहाँ पर देखो दो प्रकार के टूल्स आ जाते हैं, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स और एक आ जाता है लेगिंग इंडिकेटर्स। कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स और लेगिंग इंडिकेटर्स मतलब क्या, देखो कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स हम क्या करते हैं, फिगर्स ऑफ रिटेल सेल्स, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री पॉपुलेशन। देखो However, move up and down simultaneously and witnessed at around the same time the changes this signal occur. Since this happen almost in real life, they do not offer much predictive insight but provide a fair reading of current scenario. सर बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, शुरू से एक बार पढ़ के हमको समझा दो ना, मैंने सोचा तो तुमको लास्ट लाइन समझ में आ जाएगी, पर सुनो इसको हम पूरा पढ़ लेते हैं। The various methods suggested till now are related with the product concerned. ठीक है, हमने प्रोडक्ट के हिसाब से करी, दिस मेथड पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ड होती है, फ्यूचर के प्रोजेक्शन के हिसाब से बेस होती है, बट ये इतने इफेक्टिव नहीं है बिकॉज इकोनॉमिक में, इकोनॉमी में अप डाउन चलता रहता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द टर्निंग पॉइंट्स, इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट द जनरल बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी। जनरल बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी फाइंड करती है बैरोमेट्रिक मेथड। देखो अब जैसे क्या होता है, अब यहां पर दिस इन्फॉर्मेशन देन यूज टू फोरकास्ट डिमांड प्रोस्पेक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट दो नॉट इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी, तो प्रोवाइड नहीं कर सकती, लेकिन लेकिन हम इकोनॉमिक इंडिकेटर से,
इकोनॉमिक इंडिकेटर से पता करने की कोशिश करते हैं कि यार इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है या इस प्रोडक्ट की डिमांड कम होने वाली है। थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा लेकिन मेरे साथ रहो, नोट्स में सब इजी हो जाएगा। देखो, देयर आर लीडिंग इंडिकेटर्स, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। यहां पर अब मेरा अटेंशन चाहिए मुझे, तुम मुझे सबका अटेंशन चाहिए। देखो यहां पर इनने तीन इंडिकेटर्स की बात कर ली, तीन इंडिकेटर्स की बात कर ली, मुझे अटेंशन चाहिए भाई। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन हम सह लेंगे, सह लेंगे। देखो यहां पर लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, तीन इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। अब समझना, लीडिंग इंडिकेटर्स मूव अप और डाउन अहेड ऑफ सम अदर सीरीज। फॉर एग्जाम्पल, द हैवी एडवांस ऑर्डर्स फॉर कैपिटल गुड्स गिव एन एडवांस इंडिकेशन दैट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन परमिट्स फॉर न्यू हाउसेज विल रिफ्लेक्टेड इन करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन नंबर ऑफ शीट्स ऑफ ग्लास ऑर्डर्ड सेवरल मंथ्स अदर। मतलब क्या, लीडिंग इंडिकेटर्स सर, लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब सर, लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब, लीडिंग इंडिकेटर्स मतलब कि अगर मान लो, अगर मान लो लोग जो है सीमेंट के एडवांस ऑर्डर दे रहे हैं, मशीन्स बुलवा रहे हैं, इसका ये मतलब है इकोनॉमी में डिमांड बढ़ने वाली है ये, क्योंकि लीडिंग इंडिकेटर दे रही है। क्या सबको समझ में आया, लीडिंग इंडिकेटर समझ में आया? हाँ सर, सीमेंट के एडवांस ऑर्डर आ रहे हैं मतलब कि हमको ज्यादा और ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगी, हमको ज्यादा और ज्यादा डिमांड देखने को मिलेगी। एक होता है कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स, ये मूव अप भी करते हैं डाउन भी करते हैं एंड आर विटनेस एट अराउंड द सेम टाइम द चेंजेस द सिग्नल कर सिंस दे हैपन ऑलमोस्ट इन रियल लाइफ दे डू नॉट ऑफर मच प्रेडिक्टिव इनसाइड बट प्रोवाइड अ फेयर रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, फिगर्स ऑफ रिटेल सेल्स, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स ऑफ, मतलब ये ना साथ साथ चलते हैं, कुछ हुआ हो गया, कुछ हुआ हो गया, इसीलिए अपने को पता नहीं चलता एग्जैक्ट डिमांड में कितना चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिटेल सेल बढ़ रही है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा किस क्यों बढ़ रही है, किस लिए बढ़ रही है, रिटेल सेल बढ़ रही है। अगर कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ती तो हम समझ सकते थे कि हाँ यार सही चल रहा है, लेकिन रिटेल सेल हो सकता है थोड़े टाइम तक हो, इसीलिए इसको कोइंसिडेंटल इंडिकेटर्स बोलते हैं। अब लास्ट वाला इंडिकेटर देख लो, मैं बहुत थक चुका हूं लेकिन मैं तुमको एक लास्ट वाला लेगिंग इंडिकेटर समझा के जाऊंगा। लेगिंग इंडिकेटर फॉलो अ चेंज आफ्टर सम टाइम लैग, मतलब ये लैग हो जाता है, लैग लैग। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है द हैवी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंफर्म द फैक्ट दैट द हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क वॉज अंडरटेकन ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। मतलब कि जैसे अपना घर बन जाता है ना, मतलब कि अपना अपना घर बन गया, हमारा घर बन गया, हमारा ये क्या है, हमारा होम बिल्ट, हमारा घर बन गया, फिर हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फिट करवाते हैं, इसका क्या मतलब है, हमारा पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में, या फिर थोड़े दिन पहले, प्रीवियस मंथ्स में इकोनॉमी में कंस्ट्रक्शन बहुत हुआ है, अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अभी ज्यादा खरीदने जा रहे हैं, मतलब पिछले टाइम में थोड़ा सा ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुआ है, लैगिंग इंडिकेटर्स ये बताते हैं। सब में नोट्स में मैं इंडल्ज कर दूंगा, डू नॉट वरी, तुमको नहीं पढ़ना पड़ेगा स्टडी मटेरियल, ये मेरी जिम्मेदारी थी। देखो दूसरी फैकल्टीज इतना डीप में कवर नहीं करवाती, तुमने कभी भी इतना डीप में पढ़ा था क्या? ये तुम्हारा स्टडी मैट खोल के बता रहा हूं मैं, मेरे को बताना क्या तुमने इतना डीप में कभी पढ़ा था क्या, रिविजन में कभी पढ़ा था क्या? मतलब तुमने तो इवन एक्चुअल क्लास में नहीं पढ़ा होगा, क्या पढ़ा था मेरे को जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में बताओ क्या पढ़ा था, ये तो समरी आ गई और हमारा डिमांड चैप्टर खत्म हो चुका है भाई। क्या तुमने इतना डीप में कभी एक्चुअल लेक्चर भी लिए होंगे किसी फैकल्टी के, तो लिए पढ़ा था क्या? क्या तुमने पढ़ा था क्या इतना डीप, तुम लोगों ने नहीं पढ़ रखा था, लेकिन मैं चाहता तो तुमको स्किप करवा सकता था, मैं चाहता ना तो तुमको आराम से स्किप करवा सकता था, तुमको क्या पता चलता, पर मेरी आदत वैसी नहीं है, मैं अगर स्टूडेंट के साथ हूं तो मुझे उसको 100% करवा के देना है, उसके नोट्स मुझे अच्छे से बनवा के देना है, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। मेरा गला आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बट स्टिल आई टुक योर क्लासेस, आई स्टिल टुक योर क्लास। और ये वाला जो पोर्शन था ना, ये थोड़ा सा बोरिंग था, मुझे पता है, ये वाला जो पोर्शन अपन ने खत्म किया है ना, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ठीक लगा हो, लेकिन ये थोड़ा सा तो बोरिंग था, ऑफ ट्रैक था, लेकिन हमने छोड़ा नहीं, हमने आखिरी आखिरी पॉइंट तक जाके इसको पढ़ा है। ये आखिरी पॉइंट था तुम्हारा स्टडी मैट का, सम टाइम ये और आखिरी बैठता, यहां से समरी स्टार्ट हो गई, हमने आखिरी पॉइंट तक जाके इसको पढ़ा। क्या तुम मेरे साथ थे?
क्या तुम मेरे साथ थे? क्या तुम आगे वाले चैप्टर्स में साथ दोगे? तभी तो मजा आएगा। क्या तुम आगे मेरा साथ देने वाले हो? सर आपको गर्मी लग रही है बट हमारे पंजाब में तो बहुत सर्दी है। अरे इधर भी ठंड है। एक्चुअली क्या ये रिंग लाइट चल रही है, ये वाला लाइट चल रहा है, और पंखा जो पंखा है मेरा वो थोड़ा सा खराब हो चुका है, ठीक है, इसीलिए मेरे को गर्मी लग रही, ठंड यहाँ पर भी है। अभी डाउट्स भी ले लेता हूँ सबके, डाउट्स वगैरह सब लेंगे, लेकिन आज आज मजा आया नहीं आया ये बताओ, आज मजा आया नहीं आया? यानी हम अभिमन्यु बन गए, सही बात है। देखो कुछ अनाउंसमेंट, कल सुबह 10 बजे हम नहीं मिल रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम अपनी कंटिन्यू करो स्टडीज, कल हम 6:30 बजे डायरेक्ट मिलेंगे, 6:30 डायरेक्ट मिलेंगे। थोड़ा सा काम है मेरे को कल, वो मैं खत्म करूंगा, बाकी हम 10 बजे कंटिन्यू रखेंगे, उसकी चिंता मत करना। लेकिन कल हम नहीं मिल रहे होंगे, हम कल डायरेक्ट 6:30 बजे मिलेंगे। आज बहुत मजा आया ना, ठीक है, बस आज कोशिश करना यार अपने आप दोस्तों को जाके ये वाली वीडियो शेयर करो, दोस्तों को जाके उसको इंडिविजुअली फोन करके बोलना, भाई भाई आज तू ये वाली वीडियो देख ले, शुरू का पार्ट देख लेना, लास्ट का पार्ट सर और उसको रिविजन में करवा देंगे, लेकिन शुरू का पार्ट तूने देख लिया और नोट्स हम तुझको दे देंगे, तू हमारे साथ आ जा, मजा आ जाएगा। क्या तुम मेरा इतना काम करोगे, इस वीडियो को कर देना लाइक और कर देना शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि 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 मेरी मेहनत और लोगों तक पहुंच जाए। क्या तुम इतना साथ दोगे मेरा? क्या तुम मेरा इतना साथ देने वाले हो? मैं डाउट भी लेने वाला हूँ, अभी चिंता मत करो, उन लोगों के डाउट भी लेने वाला हूँ जो लोग बचे। क्या तुम मेरा इतना साथ दे दोगे दोस्तों? और एक गिफ्ट जो कि तुमको टेलीग्राम पर वीडियो मिल जाएगी आज, उसकी चिंता मत करो, अपने दोस्तों को बोलना कि भाई देख ले शुरू का पार्ट देख ले, तुझे डिमांड इतना अच्छा रिवाइज कभी हुआ ही नहीं होगा और नोट्स तो बेहतरीन मिल ही जाएंगे। चलो इंदौर, हाँ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, रिजवान अली, स्वागत है तुमका रिजवान। सुजीत हरी प्रिया सर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ओके 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 रिजवान, ठीक है। क्या तुम, बहुत मजा आया यार, बस यही तो चाहता था मैं, यही मेहनत तो तुमको सामने आया, यही तो मेहनत मैं चाहता था तुमको मिले, मेरी काम में है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? ठीक है, चलो चलो, बहुत बढ़िया रिजवान, ओके। अब जो जो डाउट्स थे वो पूछ लो फटाफट, मैं डाउट्स क्लियर कर देता हूँ तुम लोगों के, फटाफट 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 डाउट्स पूछ लो, ताकि मैं तुम लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकूँ और अपने गले को भी राहत। जिसको भी डाउट्स है वो यहाँ पर रुक सकता है, बाकी जा सकते हैं। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना दोस्त। नोट्स तुमको मिल जाएंगे, बस मैं एडिशन कर दूँ, हुआ तो मैं आज ही दे दूंगा, या फिर ये जो आज पढ़ा है ये भी एडिशन करके एक साथ दे दूंगा, डू नॉट वरी ऑन दैट पार्ट। ये नोट्स तुम्हारे हैं मेरे नहीं, बस इसको अच्छे से यूज करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना, ताकि वो लोग भी यूज करें, क्योंकि क्लास रोज 6:30 बजे होगी। हाँ आयशा, रोज 6:30 बजे होगी। डिमांड फोरकास्टिंग यूजफुल एंड स्कोप सर, देखो डिमांड फोरकास्टिंग इतना ज्यादा कुछ भी नहीं है, डिमांड को फोरकास्ट करना कि डिमांड कितने होने वाली है वो देख लो, यूजफुलनेस मतलब डिमांड को तुमने फोरकास्ट किया तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल मिल जाता है कि लोग उसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे, किस प्राइस पर यूज करेंगे ये पता चल जाता है। और स्कोप, स्कोप अनलिमिटेड है बट कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, तुम इतना अच्छे से डिमांड को फोरकास्ट नहीं कर सकते, कुछ तुम्हारी भी लिमिटेशन है। और किसी को कुछ डाउट है? सी 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 ऑल द चार्टेड अकाउंटेंट्स, बस ये सुन लो, टुमारोज चार्टेड अकाउंटेंट इज स्टडिंग इकोनॉमिक्स नाउ, टुमारोज चार्टेड अकाउंटेंट्स आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स नाउ, इतनी सी बात कहूंगा मैं। सर शिफ्ट इन डिमांड कर्व में नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल वाला एक बार बता दो आप, एक मिनट रुको, कौन सा वाला पॉइंट? शिफ्ट इन डिमांड कर्व में नॉर्मल गुड्स वाला पॉइंट, देखो दोस्त ये वाला पॉइंट, अगर इनकम इंक्रीज होती है भले मेरी प्राइस सेम हो तो मेरा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर मेरा रिडक्शन इन इनकम हो गया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा प्राइस सेम पर।
मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड। हाँ एक बार और बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया मिस्टर परफेक्ट? इज दिस क्लियर नाउ? ठीक है, शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड। देखो भाई, देखो 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 देखो, ध्यान से देखो। जो शॉर्ट रन होता है ना, शॉर्ट रन मतलब छोटा टाइम, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल समझ लो। अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो क्या तुम अपनी बाइक को फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे। तुम बोलोगे चलो थोड़ा सा महंगा डलवाऊंगा तो सही। मतलब इलास्टिसिटी जो होगी इतनी चेंज नहीं होगी। इट वुड बी लेस देन वन, इट वुड बी लेस देन वन। लेकिन लॉन्ग रन में अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो तुम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स खरीदने लग जाओगे, पीपल जो है सब्स्टिट्यूट फाइंड करने लग जाएंगे उस चीज के। इसकी के कारण प्राइस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन। थैंक यू थैंक यू। फटाफट से क्लियर है, दिमाग में हर जगह घुस चुका है कॉन्सेप्ट, में अपनी जगह बना ली है। अरे वाह यार सिमरन कौर, चलो बढ़िया, ऑल द बेस्ट। ऐसे ही पढ़ाई करो, हम कल फिर मिलेंगे 6:30 बजे। और जो मेरी रिक्वेस्ट थी, आप प्लीज 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 उसको करना, ताकि आगे मजा आए। कॉन्ट्रेक्शन डिमांड बता दीजिए। कॉन्ट्रेक्शन और डिमांड होता है कि भैया जब हमारी प्राइस बढ़ती है, जब हमारी प्राइस बढ़ती है ना, तो हमारी डिमांड कम हो जाती है। प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई, इसीलिए वो ऊपर की तरफ चलने लगता है। इसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। सर मुझे आपका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है। ऑनलाइन अभी मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, तुम टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर लेना मेरा नाम, तुमको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।